गाइस कैसे हो आप लोग। गाइस आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मींस नॉलेजफुल पॉडकास्ट लेके आया हूँ, जिसमें आपके साथ मैं मिलाने वाला हूँ विकास श्रीवास्तव को। इन्होंने अपनी जर्नी को काफी अलग तरीके से रूख दिया है, और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से इन्होंने दिशा दिया और जिस समय दिशा दिया, ये देना सबके बस का नहीं। कुछ लोगों के लिए बहुत ही हैट्टिक काम था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से अपने करियर को मूव किया। BIM के अंदर कैसे मूव किया, साइट की जॉब से 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस लेके, चलिए पूरी स्टोरी जानते हैं और समझते हैं कि यार क्या कर सकते हैं हम लोग, कहाँ पर ये इन्होंने स्टेप कैसे लिया, कैसे इनके अंदर ये इंकरेज आया कि मैं ऐसा कुछ करूं तो मेरे लिए बेहतर हो जाएगा। पूरा कन्वर्सेशन करेंगे और शायद आप इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने वाले हो। हो सकता है कई लोग इसके बाद स्टेप्स भी लेंगे कि हाँ यार, जब विकास कर सकते हैं देन व्हाई नॉट वी आर। ठीक है जी, चलो शुरुआत करते हैं और पहले विकास से ही समझते हैं उनके करियर के बारे में, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं आपके माइंड्स में, उन क्वेश्चंस का भी कन्वर्सेशन डेफिनेटली करेंगे। विकास, सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है यूनिक सिविल के प्लेटफॉर्म पे थैंक यू फिर सर, से। थैंक यू सर, थैंक यू सो ओके मच। विकास, आई जस्ट वॉन्ट कि क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ना अपने करियर का थोड़ा एकेडमिक इंट्रोडक्शन ऐसे शॉर्ट में बता दो कि हमने डिग्री क्या क्या ठीक एंड एवरीथिंग जो भी है तुम्हें लगता है। है सर। सर, जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया कि मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है और आई हैव डन बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। मैंने लखनऊ से BBDO से बीटेक किया हुआ है। मैं आपका स्टूडेंट हूँ और अर्लियर आई वॉज इन्वॉल्व इन साइट इंजीनियरिंग, देन माई लाइफ टुक टर्न। फिर मैं आपकी गाइडेंस में मैं फिर BIM फील्ड में आया और फिर साइट इंजीनियरिंग की जॉब को स्विच करके फिर मैं BIM के कोर्सेज किया और सारी चीजों को मतलब सारा नॉलेज मैंने गैदर किया। फिर हम BIM इंडस्ट्री में आए तो फिर यहाँ पे पता चला कि लाइफ जो है सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ वो साइट की जॉब पे नहीं है, और भी चीजें हैं जो मतलब अपने लाइफ में चेंजेज अगर लाना चाहता है इंसान तो ला सकता है। अगर आपकी मतलब जैसे जॉब अगर साइट पे है तो साइट इज वेरी गुड, सब कुछ पता है कि कंस्ट्रक्शन तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपको टेक्नोलॉजी की तरफ में आगे बढ़ना है और तो मेरे ख्याल से BIM ही एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जो मुझे लगता है कि मेरा तो बहुत काम आया। और सर सबसे पहले कि हर एक टाइम जब भी मुझे मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होता है या जब भी मैं इंटरव्यू देता हूँ या फिर जब भी मैं कुछ ऐसा लगता है, एक मोमेंट आता है सर कि आई थिंक आपने भी फेस किया होगा, एक मोमेंट आता है कि हाँ यार चलो कुछ एक स्टेप लाइफ में बढ़ रहे हैं, है ना, थोड़ा हाँ, एक एक बढ़ रहे हैं फील कि गुड वाली फीलिंग आती हाँ है, फील गुड वाली मतलब वो आती है कि हाँ अभी करियर आगे बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो उस टाइम कॉन्फिडेंस पे भी सर बढ़ता है। आपका, हाँ उस टाइम पे सर आपका ही चेहरा याद आता है क्योंकि आप ही एक पहले ऐसे इंसान हो जिसने सर मुझे मतलब मेरे पूरे करियर को टर्न कर दिया। मुझे लगता है कि बहुत ही मेरे लिए तो बहुत बड़ा डिसीजन था, लेकिन जो आपका उसमें जो साथ था वो बहुत ही अनमोल था, उसको कभी थैंक भी यू रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। थैंक यू सर। विकास, ये तो बहुत अच्छा है कि एक्चुअली तुमने ना जैसे तुमने तुम्हारा जो जॉब था डेफिनेटली एक अच्छी जॉब थी तुम्हारे पास, और उसके साथ ही जी साथ एक सर, हैटिक तो डेफिनेटली होता ही है साइट का जॉब, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी सर, ठीक है, जी सर, लेकिन तुमने उसके बाद टर्न अराउंड किया, और मुझे पता है इसके लिए ना बड़ा कॉन्फिडेंस लगता है। प्लस मुझे तुम्हारे अंदर जो मुझे तुम अच्छी चीज दिखी कि तुम बड़े ही कॉन्फिडेंस से कई ढेर सारे इंटरव्यू को बीट किए। ठीक है, जी और सबसे बड़ी बात सर, तुमने छोड़ा नहीं लोगों से एक्शन लेने में। जैसे कि एक दो कंपनियों हाँ का मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उन कंपनियों में, जैसे कि तुम बीम इंजीनियर्स में तुमने काफी स्ट्रगल किए, ठीक है, जैसे मैं कन्वर्सेशन से पता कर पाता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, जी सर, तुमने वर्किंग में भी काफी अच्छे से काम किया, जो अपना 100% हो सकता था दिया। ठीक है, जी तो सर, तुम्हें क्या लगता है कि कंपनी को एज ए स्टूडेंट, मतलब अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको अपने अंदर क्या चीज डेवलप करे कि यार कंपनी के लिए फिट होने लगे, क्योंकि फिट होना ही सबसे बड़ा टास्क है आज के टाइम पे, लोग फिट ही नहीं है। सच बात है, ये तो सच बात है सर। एक्चुअली सबसे बड़ी चीज है ना एक्सेप्टेंस। हाँ जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपका कि आप ना मतलब मैं अभी 4 साल पहले जो आपका जो वीडियो था मैं देखता हूँ तो उसका भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है सर, है ना, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर एक चीज की जो आप फिट होने की बात करें ना, देखिए सर आपने क्या किया, आप एक जॉब में थे, अच्छे खासे जॉब में थे और जॉब में रहते तो आज भी आप बहुत आगे होते, बट बस थोड़ा सा इसका एक टर्निंग पॉइंट ये था कि आपने एक ऐसे प्लेटफॉर्म को चुना जहाँ पे आप लोगों की हेल्प करते हो और उनका करियर ग्रो करते हो, ठीक है। और मेरे ख्याल से लोगों को बनाना, लोगों को मतलब कामयाब बनाना या फिर लोगों को उस चीज के एबल बनाना वो बहुत बड़ा टास्क है। मैं आपको देखता हूँ कि आप जब 4 साल पहले जब आपने स्टार्ट किया था तो आप कैसे थे और अभी आप कैसे हो, मतलब
आप ना ऐसे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हो, सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं चल रहे हो, ऐसा लग रहा है कि अभी आप जवान हो रहे हो। सॉरी सॉरी, लेकिन लग रहा है सर कि मतलब आप खुद ही देख लो ना, मतलब कभी आप किसी से, मेरा अगर ऑनेस्ट रिव्यू आपको ना लगे तो किसी और से आप पूछिए, आप पहले का अपना फेस देखिए और अभी का फेस देखिए। अभी हम जो बात कर रहे हैं ना डिजिटल डिजिटल का, तो हाँ आप सर पहले से ज्यादा हैंडसम होने लगे, अभी पता नहीं कैसे। हाँ लेकिन तो ये सर जो आप बात कर रहे हैं ना फिट होने की, सबसे बड़ी चीज है एक्सेप्टेंस। आपके लाइफ में जब अभी आपने स्टार्ट किया होगा ना चैनल, तो बहुत थोड़ा सा चल रहा होगा मेरे ख्याल से शायद, और एक कम ही स्टूडेंट होंगे। लेकिन जो स्टार्ट करना और फिर धीरे धीरे आत्मविश्वास न खोना, हमेशा सेल्फ बिलीव रखना कि हाँ एक ना एक दिन तो मिलेगा। और अभी तो सर हर एक आदमी जानता है, मतलब पुणे के अंदर क्या, जो मतलब मेरे ख्याल से जो भी भीम के इंटरव्यूज देता है वो आपके तो पढ़ता ही पढ़ता है हाँ लेक्चर। कि लाओ एक बार देख लेते हैं, शायद कुछ क्वेश्चन फंस ही जाए, है ना। इसमें एक चीज अच्छा हुआ है विकास, मुझे जो लगता है हमने बहुत अमाउंट ऑफ व्यूअर्स में नहीं गया मैं, लेकिन जो व्यूअर्स हैं बड़े ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही ऑनेस्टेड टाइप के, ठीक है। मुझे वो थोड़ा सा ना मतलब जैसे होता है कि मेरा थोड़ा अलग ही, तुमने देखा ही है काफी दिन, मैं थोड़ा अलग टाइप से जीने का प्रयास करता हूँ। और मुझे लगता है कि जी सर, बहुत ज्यादा लोगों में नाम जरूरी नहीं है, लेकिन जिनमें हाँ नाम जरूरी है वो नाम किस तरीके से ले रहे हैं, सच बात है, सच ठीक है। बात है। और मैं सर जब यहाँ पे कंपनी में आया ना, मतलब यहाँ हाँ पे मैं न्यूसॉफ्ट में, अभी मैंने न्यूसॉफ्ट अभी ज्वाइन किया है, हाँ आपको ही पता है सर। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मतलब आई वॉज समबड़ी न्यू, कि मैं यूपी हाँ से हूँ हाँ और महाराष्ट्र में कभी, मतलब आई हाँ हैड नया नेवर था विजिटेड तुम्हारे लिए। महाराष्ट्र। हाँ तो कुछ नया था। तो यहाँ पे जो लोगों से मैं मिला, तो फिर मैंने मैंने आपका नाम नहीं बताया, उन लोगों ने ही आपका नाम बताया कि मतलब ऐसे कुछ बात बात हो रही थी तो वो लोग आप ही का नाम डिस्कस कर रहे थे। अब हाँ मैं सुन रहा था कि मतलब वो वही है क्या, ऐसा तो नहीं है कि नहीं, मतलब वो कोई और है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप किसकी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि अरे वो यूट्यूब चैनल पे है, ये है वो है। फिर मैंने उस समय कुछ बोला नहीं, फिर बाद हाँ में मैंने उनको बताया कि अरे यार वो मेरे गुरु जी है ना। तो मतलब हर एक बंदा आपको जानता है, और थैंक यू। आपने जो कंटेंट जो क्रिएट करके रखा हुआ है यूट्यूब पे, मतलब वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको। तो आप भले आप सर कोर्सेज में लेकर के लोगों को पढ़ा रहे हो, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं ना वो आपसे बिना पैसे देख रहे हो कि पढ़ रहे हैं। ये सबसे अच्छा है, क्योंकि अभी भी टाइम पे जब इंटरव्यूज वगैरह हम किसी को सजेस्ट करते हैं, या किसी हमारे जूनियर का या फिर साथ का जो भी इंटरव्यूज, मतलब अगर किसी का है, कोई हाँ कलीग है जिसका इंटरव्यू है, तो हम हाँ क्या करते हैं आपके 3-4 वीडियोज को शेयर कर देते हैं, तो उसको हाँ ना अच्छा खासा रिवाइज हो जाता है उसका पूरा। हाँ नहीं ये बहुत एक्चुअली कैसा होता है ना, वो यही बोला जैसे तुमने बोला ना कि बहुत अच्छी चीज बोला कि मेरे अंदर थोड़ा सा मेरा जो फेस है, मुझे वैसा लगता है, मतलब लोगों ने ऐसे कमेंट किए हुए हैं तो मुझे कि थोड़ा बेटर हो रहा है, तो फिर मैं सोचता हूँ यार इसके पीछे सबसे बड़ा कर्मा का रोल रहेगा, क्योंकि सच में अपना जो कर्म है मुझे मतलब मिलावट तो कहीं से दिखता नहीं है, ठीक है। मिलावट तो नहीं दिखता, क्योंकि कैसे मिलावट अपने आप दिख जाती है ना, अगर अपन सच कुछ में ऐसा गड़बड़ कर दिख रहे हैं जाता है तो, सर। ठीक है। जैसे कि मैं रिसेंटली ऐसे कुछ खरीद रहा था, आज मैं वो खरीद रहा था, चाट खरीद रहा था, ठीक है। तो चाट में उसने पैकेट्स थे उसके, तो चाट मैंने 2 पैकेट ऑर्डर किए थे, एक मैं अपने लिए एक छोटे भाई के लिए, और उसने 3 दे दिया, ठीक है। और मैं बाहर आ गया, मुझे क्या पता कि 3 है कि 2 है, फिर मैं गया थोड़ा भारी लग रहा है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो मैंने ढक्कन खोला, और ढक्कन खोलने के बाद मैंने देखा तो उसमें 3 डिब्बे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये 3 डिब्बे हैं, ठीक है। बेसिकली मुझे इस 1 डिब्बे की जो बचत मेरे लिए, डेफिनेटली एक तरीके से अगर देखा जाए तो मेरे लिए प्रॉफिट हो गया, ठीक है। लेकिन ये प्रॉफिट मेरे लिए बहुत छोटा सा है, और उस बेचारे के जो ठेला पर लगाया हुआ है उसके लिए बहुत गड़बड़ है ये। तो मैंने कहा बाइक मोड़ो, पहले चल के देके आएंगे उसको, और गया उसको दे दिया, और अब वो कितना हैप्पी हुआ भाई, उसका कुछ 50-60 रुपए का रहा होगा, उसके लिए 50-60 हजार रुपये, मतलब 50-60 रुपये मतलब काफी बड़ा हो गया ना। तो मुझे ऐसा समय लगा सबके लिए सेम कि नहीं होती। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि यार ये अगर मैं खा लेता तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने गलत चीज खा लिया, और फिर उसके बाद, और अगर मैंने उसको दे दिया तो मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है, तो यहाँ पे फील गुड वाले जो फीलिंग आता है ना कि हाँ यार मैंने कुछ सच अच्छा में किया। और इसमें सबसे बड़ी विकास, सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके बचपन की परवरिश कैसे हुई है, ठीक है। हम लोग का टॉपिक थोड़ा ट्रैक चेंज हो गया है, लेकिन अब मुझे बताना ही पड़ेगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। स्टोरी ये थी कि मेरे को, मैं तुम्हारे पता है कि मैं बहुत बहुत लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ,
जी तो समझा एक बार मैं था। एक मेले में गया था, तो मेले में एक वो हाँ जो फू फू करके बजाने वाला होता है ना, जो कुछ 3 रुपए के 2 रुपए का आता है, जी। तो अब वो 2 रुपए की चीज थी, मेरे पास तो पैसे नहीं होते थे अभी, मैं कुछ 8 साल का था या फिर 7 साल का ही रहा हूँ। मैं गया और मैंने देखा सब लोग ले रहे हैं, मैंने कहा भीड़ तो बहुत है, मैं बच्चों की तरह मैं भी उठाया, उठा के मैं निकल लिया, ठीक है, मतलब थोड़ा चालाकी तो थी बचपन में। तो उसके बाद मैं निकल के आया और घर पे आया तो मेरे फादर ने मुझसे पूछा कि कहाँ से तुमने ये कहाँ से खरीद लिया, क्योंकि मेरे पास पैसे होते तो अब 7 साल का बच्चा पैसा कहाँ रखेगा, ऐसे जेब में अच्छा रखेगा। तो मेरे को बहुत तेज से मारे, फाड़ से, ठीक है, बहुत अच्छी वाली मारे। और उसके बाद कह पैसे निकाले और बोले जाओ देख के आओ, लगभग 2 किलोमीटर की दूरी थी, 7 साल के बच्चे के लिए बड़ा टास्क था। तो बाप मुझे ऐसा याद आता है कि यार ये वो वाला जो थोड़ा सा परवरिश था ना, यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है, तो चलो इस पर नहीं दिखेगा जाएंगे, सर नहीं तो क्या दिखेगा। बोलते हैं वो हो जाता है थोड़ा ऑफ द ट्रैक, बट हाँ टॉपिक जाएंगे सर वो ये। होता ही है, क्या बोलते हैं जब आप क्या जी बोलते, कुछ ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कस करो फिर। अच्छा जी सर ठीक है विकास, बहुत अच्छी बात है कि व्यायाम में लोग, ठीक है, मुझे भी जानते हैं कि थोड़ा बहुत मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट जी उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आने वाली ऑडियंस है, यानी जो सिविल इंजीनियर्स हैं, ठीक है, मैं कई कॉलेज में देख रहा हूँ कि लोग बहुत ज्यादा डीमोटिवेट टाइप फील करने लगे हैं, ठीक है, उनको क्या बोलना चाहोगे कि भाई क्या बोलते हैं, डायरेक्शंस केवल साइट नहीं है, और भी कई डायरेक्शंस है, तो तुम्हें क्या लगता है कि किस किस तरफ वो अपना रुख मोड़ सकते हैं? सर पहली बात तो जो मतलब कॉलेज में अगर हम बात करें ना पढ़ाई की, तो कॉलेज में सिर्फ पढ़ाया जाता है सर, कुछ तो सिखाया नहीं जाता। जो फैक्ट है वही है, क्योंकि तो अब जो मैं पढ़ा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉलेज में सिर्फ आपको थियोरी पढ़ाई जाती है, थोड़ी बहुत बेसिक चीजें पढ़ा दी जाती हैं, तो उसकी वजह से ना आपको नॉलेज कम होता है। और जब नॉलेज कम होता है तो फिर एक कम नॉलेज वाला आदमी क्या करता है, कम नॉलेज वाला आदमी हमेशा आसान काम चुनता है। और आसान काम का ड्रॉबैक अपना है और उसका बेनिफिट अपना है। उसका बेनिफिट बहुत बड़ा ये है कि वो आसानी से मिल जाएगा सर आपको, है ना। और ड्रॉबैक इसका ये है कि आपको मेहनत बहुत कराएगा वो, और आपको हासिल कुछ नहीं होगा। आप कई साल साल करते रह जाएंगे। मैं देखता हूँ लोगों को कि मैं किसी की भी मतलब मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, सबकी अपनी कैपेसिटी है और हर आदमी अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीता है। करेक्ट। लेकिन जो यंग है ना, अगर उनको थोड़ा सा, जैसे मैं भी यंग हूं तो आपने मुझे थोड़ा पुश किया तो मैं आगे बढ़ा, है ना। अब ऑफकोर्स आपको भी किसी ने पुश किया होगा, तो ऐसे ही जो आज के स्टूडेंट हैं अगर उनको पुश करने की बात आए ना, तो मैं सीधा से ये कहूंगा कि आप अपना जो ये कॉलेज का जो कोर्स है ना, उसके साथ साथ आप न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मतलब ये सॉफ्टवेयर सीख लो, आप ये सॉफ्टवेयर सीख लो। आपको जो भी इंटरेस्ट हो, जैसे आपका अगर इंटरेस्ट है कि मैं ऑटोकैड में अच्छा कर सकता हूँ, आप ऑटोकैड अच्छा से सीखो और आप उसमें करियर बनाओ, फिर सही आपको बात, पता चलेगा कि भाई दुनिया बहुत बड़ी है। अगर आपको रैबिट में करियर बनाना है तो रैबिट भी आप देख सकते हो कि सर पूरा बिम का कॉन्सेप्ट में जो सबसे बड़ा जो मतलब सॉफ्टवेयर है वो है रैबिट। और रैबिट को लोग छोटा सा समझते हैं कि मैंने तो रैबिट सीखा है और रैबिट से कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, अरे मुझे तो कोई रखता ही नहीं है, मुझे ये नहीं रखता, मुझे वो नहीं रखता। हर आदमी आपको रखना चाहता है। और यकीन मानिए इतनी जॉब्स हैं कि सर पहले कॉल नहीं आती थी जॉब की। मैं सोचता था, मैं आपसे भी कहता था कि सर मुझे कॉल नहीं आती है जॉब की, बताइए। आप बोलते थे पेशेंस रखो, आएगा धीरे धीरे आएगा, मैं ये हेल्प करूंगा, मैं ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ, है ना। आप बहुत आप करते थे सर, लेकिन कुछ नहीं होगा उससे जब तक कि मैं प्रयास नहीं करूंगा। ये बाई द टाइम मुझे समझ आया, सब कुछ मेरे ही हाथ में है, सारा नॉलेज सर इधर ही है। आपने जो इधर पढ़ाया ही वो भी इधर ही है, जो सीखा है वो भी इधर ही है। तो हाँ अगर यंग लोगों को, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक एक लड़की पर फोन की सर आपने, मतलब उसका नंबर दिया था मेरा, अच्छा तो उन्होंने फोन, हाँ उन्होंने फोन किया, उन्होंने बोला कि मेरी जॉब नहीं लगती यार, ऐसा वैसा है फलाना है, और मैंने ना कोर्स किया हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, मतलब मुझे बहुत डिमोटिवेशन फील हो रहा है, बहुत लगातार उसने बोला। हमने उससे बोला कि ऐसा है, देवी जी शांत हो जाइए, परेशान मत होइए, क्योंकि हम भी इसी फेज से गुजरे, हमें पता है कॉल नहीं आते। और यकीन मानिए जब भी जॉब की जरूरत होती है ना, तो वाकई नहीं कॉल आती है। और जब आप एक जगह अच्छी जगह थोड़ा प्लेस हो जाते हो और आप काम थोड़ा सीख जाते हो ना, फिर आपको समझ आता है कि भाई दुनिया इतनी बड़ी है ये, कि आप जितना पैसा कमाना चाहते उतना कमाएंगे आप। ये बहुत छोटी सी चीज है जो हम सोचते हैं कि 25-50 हजार वाली जो नौकरी है, हम सोचते हैं कि सर एक टाइम में लगता, आपको भी लगा होगा सर, अभी आप बड़े गेम पे खेल रहे हो अलग चीज है, लेकिन आपको एक समय 25 हजार रुपये लगा होगा कि हाँ 25 बहुत बड़ी सैलरी। 25 हमारे इंजम्पशन में नहीं था,
आई वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द 12,000, और उसमें भी एक 1,000 सिक्योरिटी करता था, 11,000 रुपये इनहैंड आता था, और 11,000 में 6,000 रुपये पीजी को चला जाता था, 5,000 रुपये में मेरे को सारा मेंटेनेंस करना है, और घर पे भी कोई वेट कर रहा है, ठीक है। तो फिर ये तो 25 तो बहुत बड़ा बात हो गया। मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब मैंने भी जब यहाँ पे मतलब जब टाइम थोड़ा गुजारा और काम सीखा ना, तो फिर अभी समझ में आने लगा कि अभी इतने कॉल आते हैं कि परेशान हो जाते हैं, हर दूसरे आदमी को कहना पड़ता है नहीं नहीं अभी नहीं, अभी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और यकीन नहीं करेंगे कि सर आपने तो मुझे इतने अच्छे अच्छे फॉर्मूले बता रखे हैं, मतलब हमें क्या, मुझे क्या, सबको बताते हैं आप तो, है ना, हाँ कि इतने अच्छे अच्छे कि ऐसे जॉब सर्च करो, वहां सर्च करो, ये सर्च करो, वो सर्च करो। और उससे क्या होता है ना कि जब भी हम सर्च करते हैं उस टाइम पे हमारा डेटा जो है ना वो नेट पे कलेक्ट होता है, ठीक है, और वो डेटा डे बाय डे अपडेट होता रहता है, और वो डेटा क्या होता है सबके सर्वर में फीड होता रहता है। तो जब भी किसी को कुछ जरूरत होती है ना, तो जब वो डेटा पे सर्च करता है वो ना, तो हमारा ही नाम आता है उसके पास, हाँ है ना। तो क्योंकि हमने पहले उस पर काम किया हुआ किया हुआ है है। ना। अभी उस टाइम तो समझ नहीं आता था, कि उस टाइम आप बोलते थे कि ऐसे करते रहो, आएगा आएगा मिलेगा, उसे करते रहो, तो उस टाइम तो समझ नहीं आता, उसमें लगता था कि यार चलो अभी तो पता नहीं बेकार ही जा रहा है मेरा। लेकिन अभी समझ में आता है कि अभी आप सोचो सर, मैंने 1.5 साल पहले कंपनी में अप्लाई किया हुआ था, उसमें मॉट मैग्नोडॉल्ट में, हाँ मॉट मैग्नो मैग्नोरा ऐसे कुछ हाँ करके नाम है, थोड़ा हाँ टफ नाम है उसका, है ना, हाँ बहुत अच्छी कंपनी है सर वो, मतलब मैकडोनल्ड हेड करके क्वार्टर है, में, मैकडोनल्ड हाँ करके, मैकडोनल्ड करके है, हाँ मैं उसके बारे में वो जब जो सर्च कर रहा था मुझे लगा पिज्जा वाली है क्या कोई कंपनी, बट मैंने बता दिया था, मैंने कहा ये देखो ये कंपनी है, ठीक है, बट हाँ है सर है, वो बहुत बड़ी कंपनी है सर वो, हाँ मतलब बहुत बहुत अच्छी बड़ी खासी कंपनी है। टॉप 10 में है वो। हाँ और उसने मुझे फोन किया, 1.5 साल पहले मैंने अप्लाई करा हुआ था, उसने हाँ कहा कि आर यू स्टिल लुकिंग फॉर द जॉब, मतलब वी हैव हाँ योर प्रोफाइल एंड इट इज शॉर्टलिस्टेड नाउ। तो मैंने कहा मैम मैंने तो इसमें आई थिंक 1 साल पहले अप्लाई किया था। बोले नो नो नो, इट 1 year 6 months बिफोर यू हैव अप्लाइड, है ना, हाँ वी हैव योर डेटा नाउ। मैंने कहा कि अभी तो आप बहुत लेट हो गए हो, है ना, और मैंने तो अभी मेरा सीन कुछ और है मैम, अभी मैं कहीं और कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं सर, वो इतनी अच्छी कंपनी है उसके लिए वेट करना पड़ता है ना, हाँ तभी आपको बाद में कॉल आएगा, है ना। अभी कुछ टाइम पहले मुझे WSP से कई सारे कॉल आए थे, मतलब 3-4 कॉल आए मेरे ख्याल से WSP से, हाँ लेकिन मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ तो अभी क्यों करूंगा, अभी तो नहीं कर सकता। लेकिन पहले मैं अप्लाई करता था तो उसके बेसिस पे मुझे अभी कॉल आ रहे हैं कि आपने अप्लाई किया हाँ हुआ था पहले, क्या हुआ अभी आपको कॉल आ रहे हैं तो आप मना क्यों कर रहे हो, मतलब मैंने डिले हो गया था ना। मैंने ट्रेनिंग के दौरान तुम लोग को एक टर्म बोला होगा SEO, मैंने बोला था बस हाँ अप्लाई करते जाओ, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऊपर आता हाँ है आता है आता है, हाँ ठीक है, अब घर बैठे आता है रहोगे तो आता नहीं आएगा वो, है, ठीक है ठीक है, सच मतलब और कई बात बार ना तुम लोग परेशान भी हो जाते थे, तो मैं बहुत चिल होकर है। आंसर हाँ करता था ना, आएगा रिलैक्स रखो, ठीक है, क्योंकि हमें पता था आएगा आएगा, आएगा, हाँ ठीक है। सच बात है, और वो आपका मतलब अनुभव है ना। अनुभव मैं बता रहा हूँ कि जब मैं 12,000 की जॉब कर रहा था उस समय पर मेरे पास एकदम से जॉब नहीं थे, मतलब कोई जॉब ही नहीं था, लास्ट इंटरव्यू था, लगभग मेरे अकाउंट में हार्डली 800 रुपये बचे थे, मैंने कहा अब तो यार या तो आज जॉब ले लूंगा, और बहुत बड़ी फैक्ट बता रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि नहीं तो दिहाड़ी करके जाऊंगा मैं, शायद इस तरीके का सोचना सबके बस का नहीं है, लेकिन मैं हाँ कैसे कि मेरे पिताजी बहुत, हम लोग बहुत लोअर बैकग्राउंड से, तो हमें कोई दिक्कत नहीं था, हम कर हाँ लेते, तो हम उस लाइक सिचुएशन में आ गए थे कि हम दिहाड़ी करने को भी रेडी हो गए थे, और लकली ऊपर वाला तभी हेल्प करता है जब आप एकदम गिरने वाले रहते हो, ठीक एकदम है गिरने वाले हो, सच में सर, सच में ठीक है, और उसके तभी बाद मिलता है से आपको। इतने ओपनिंग्स, इतने मतलब मैं 1 साल पहले, जैसे तुम्हारी कहानी है, 1 साल पहले की ओपनिंग्स मेरे मेल पर शॉर्ट लिस्टिंग शॉर्ट लिस्टिंग, और उस टाइम अभी तो क्या हो गया, आराम से लोग जाते हैं लिंक्डइन पर अप्लाई कर देते हैं, मेल पर अप्लाई कर देते हैं, हमारे टाइम बात तो रोजगार समाचार, ठीक है, और ठीक है रोजगार समाचार में देखते चलिए मैं थे, भी शेयर करूंगा, आप बताओ ठीक फिर। है रोजगार समाचार में देखते थे, और साला समाचार बड़ा हाँ महंगा आता था, ठीक है, मतलब अपने बजट के हाँ बाहर आता तो कुछ 10 रुपए का कि 5 रुपए का आता था, बट हाँ मुझे ये पता था कि मैं डेली अफोर्ड नहीं कर सकता था, हफ्ते में एक बार मैं उसको अफोर्ड कर सकता था, और कम्युनिकेशन का मसाला हो गया था, किसी ने बोला द हिंदू पढ़ो, द हिंदू उस समय पर भी बहुत महंगा आता था, तो मतलब कुल मिला के परेशानियां जो होती है ना काफी आपको मजबूत बनाती है, और टचवुड बहुत की मजबूत बनाती है सर, बहुत पर सर मजबूत बनाती है, और उसी को मैं देते तो हैं भगवान जो आपको जो एफोर्ड कर सकता है उस चीज को, सबके बस का सच नहीं बात है, सच है, बात अब है तो सर। बताओ रोजगार समाचार। मैं एक चीज बता रहा हूँ सर आपका ना, मैं एक चीज देखा हूँ कि आप ना, मतलब आप एक दिन में नहीं बने, मतलब जो अभी आप आकाश पांडे हैं ना, अभी आप ऐसे दिखते हैं यूट्यूब पे, और
सबको लगता है कि चिल लाइफ है और बढ़िया है, पढ़ाते वढ़ाते हैं, पैसा वैसा बहुत कमाते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक दिन में नहीं बने आप। आपने इसके पहले ना बहुत कुछ ऐसा किया है जो एक नॉर्मल स्टूडेंट या फिर एक नॉर्मल सिविल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड का एक पर्सन उसको नहीं कर सकता है। आपने बहुत सारे ऐसे मतलब चांसेस लिए हैं, रिस्क लिया है, जिसकी वजह से आप यहाँ बैठे हुए हो, ठीक। और हमें कहीं ना कहीं उस चीज को सीखना है और अडोप्ट करना है इस चीज से। अभी थोड़ा अडोप्ट कर रहे हैं, आगे चल के धीरे धीरे बाय द टाइम और सीखेंगे। ये बस एक लर्निंग मटेरियल की तरह है। जैसे आपने जो मुझे पीडीएफ जो हमें दिया है, वो हाँ एक बीम इंटरव्यू करके एक पीडीएफ है सर, हाँ पता नहीं आपको याद है कि नहीं, हाँ याद है। है ना। अरे वो सबको देता हूँ, उसी से वो सारे क्वेश्चन आते पता है क्या, वो पीडीएफ ना जब हम पढ़ते थे पहले शुरू में, तो हम एक हाँ दो इंटरव्यू जब दिए, 3 4 5 ऐसे इंटरव्यू दिए, बहुत इंटरव्यू दिया सर आपने, आपको पता ही है ना, कि शुरू में तो कोई रखता ही नहीं था कि यार यार क्या करेंगे साइट इंजीनियर को रख करके, कुछ काम का ही नहीं है ना। तो और वाकई हम काम के भी नहीं थे सर उस टाइम पे। हाँ अब ये रियलाइज होता है कि हम उस टाइम पे काम, जो फैक्ट है सर उसको एक्सेप्ट गलती एक्सेप्ट हमारी करने को कुछ होती नहीं है, है। हाँ गलती हमारी हमारी होती क्या थी। हाँ, बस वो जैसे अभी रोड पे चलना है ना, तो क्या होता है कि बाइक वाला आकर के टच करके चला जाता है, हम हाँ उसको गाली देते रहते हैं, लेकिन गलती असल में हमारी ही होती हमारी है होती है। कि हमें ऐसा नहीं रोड चलना रोड पर खड़े क्यों है हम था। तो अभी जो पीडीएफ का जो था ना सीन सर, कि हाँ वो ऐसे ही है जैसे आपकी जर्नी है ना, कि वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आती है, वैसे ये भी है कि जब हम उसको थोड़ा पढ़ के जाते थे तो हम थोड़ा ही इंटरव्यू में बोल पाते थे। फिर जब हमने उसको, अभी आप यकीन नहीं मानेंगे सर, इतना अच्छा अच्छा मैं इंटरव्यू देता हूँ ना, कि मैं उसी पीडीएफ को पढ़ के देता हूँ। मतलब जाहिर सी बात है कुछ और भी चीजें पढ़ता हूँ बाहर से, हाँ हाँ लेकिन उसमें पूरा जो बेसिक देखेंगे ना आप, रैबिट और बिम की चीजें उठा करके, दो टर्म का उठा के देखेंगे हाँ स्पेशली, तो हाँ एक एक चीज मेंशन है, ऐसी ऐसी चीजें मेंशन है जो एक नॉर्मल स्टूडेंट, अभी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट आपका भी जो दे रहा होगा इंटरव्यू, और वो हाँ कह रहा होगा सेलेक्ट नहीं हो रहा हूँ, और उसी को पढ़ के जा रहा हूँ, ठीक है, हाँ मैं गारंटी दे रहा हूँ, उससे उठा करके ना आप उससे 5 क्वेश्चन खाली पूछो हाँ जो डीपली है, वो उसको नहीं बता पाएगा, नहीं बता किसी की पाएगा। इंसल्ट नहीं है, लेकिन वो हाँ फैक्ट है। फैक्ट है एक्चुअली क्या तो होता है, सही बात बोल रहे हो। और मैं बता रहा था आपको कि जब आपने बताया ना कि वो मतलब रोजगार ये समझ रोजगार गया वाला, तो सर शुरू शुरू में जब भाई 2016 में मैंने जॉब करना स्टार्ट किया था, ठीक है, तो हाँ मेरे एक सीनियर ने बताया कि यार देखो अभी जॉब पाना तो ऐसे आसान तो है नहीं, तो एक काम करना कि मतलब तुम गूगल पे जाओ और कंपनी के लिस्ट लो और नंबर लो, तो जो कॉल उठाए उससे बात करो, जो ना उठाए उसके पास में जाओ और मतलब वहां ऑफिस में जाओ, विजिट करो, सीवी जमा करो, ठीक है। हाँ तो सर हम ऐसे भी ऑफिसेज में जाते थे जहां पे ऑफिस ही नहीं होता था, है ना। मतलब हम गए तो हमने देखा कि ये तो दुकान टाइप का है कुछ, है ना, फिर भी हम अपनी सीवी वहां दे के आते थे, क्यों, क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म ही नहीं था, हम जॉब कैसे सर्च करेंगे। सही तो बात आज है, के टाइम में, तो आज के टाइम में बहुत मैं कुछ हो देखता गया हूँ सर बहुत कुछ हो गया है, और बहुत इजीली जॉब मिलती है। अभी जो लोग बोलते हैं ना कि हाँ जॉब जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, उनको पता नहीं बस। पता नहीं है राइट वे नहीं पता है। अब सोचो पहले हाँ पहले लोगों को सर्च करना कि कोई अगर मान लो कोई एलएनटी के अंदर काम कर रहा है उसको सर्च करना कितना टफ हाँ था पहले। बहुत बहुत टफ था, बहुत टफ था। अब आज के टाइम में आप लिंक्डइन पे हो, 10 लोगों से हाँ कन्वर्सेशन किया, कोई ना कोई एक दो लोग रिप्लाई दे देंगे, तुरंत रेफरेंस मिलेगा, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया। अरे सर जॉब की पोस्ट नहीं निकलती है उससे पहले वहां रिक्रूटमेंट हो जाता है, पता है ऐसे कैसे होता है। मैं बैकटेल का बता रहा था, बैकटेल में मैंने इंटरव्यू दिया हुआ था, ठीक है, हाँ। तो अच्छा जिसमें वो काम कर रहा था अपना अरबाज। अरबाज, अरबाज काम करता, हाँ अरबाज काम करता है इसमें, है ना। तो अरबाज के बाद की मैं बता रहा हूँ कि मैंने बैकटेल में क्या किया कि हमने और कलाम ने दोनों ने हाँ, तो कलाम ने क्या किया, बोला कि यार यार वो बैकटेल भी अच्छी कंपनी है जहाँ पे अरबाज गया था, अभी अपना कोई रेफरेंस तो था नहीं, तो दिमाग चारों तरफ लगता है, ठीक है। तो हमने क्या किया ना कि बैकटेल का एक मतलब वेबसाइट पे उनके ना एक टोल फ्री नंबर ऐसे कुछ पड़ा रहता है, उसको कॉल किया तो वो फॉरेन में गया, ठीक है। तो अभी वो पता नहीं क्या बोल रहा था, तो कुछ समझ नहीं आया, अभी कुछ टाइम पहले की बात है। तो क्या बोल रहा था, तो हमें लगा कुछ डच वच में बोल रहा होगा, फिर हमें एक इंडियन नंबर भी दिखा 011 से करके, तो हमने उसको फोन किया, तो वो बोली कि ये तो कस्टमर सर्विस है। तो हमने कहा कि किसी एक ऐसे बंदे का नंबर मिल सकता है, क्योंकि मेरा वहां पे ऑलरेडी इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ वो मेल पे है और मुझे बहुत अर्जेंट उनसे बात करनी है, मेरा कुछ है मसला। तो उसने ना किसी एक बंदे का नंबर दिया, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, है ना, एक बंदे का नंबर दिया। तो मैंने उनसे बात किया और उन्होंने कहा कि यार देखो मैं तो अभी दूसरे डिपार्टमेंट से हूँ, आप एक काम करो एचआर का नंबर ले लो। मैंने हेड एचआर का नंबर लिया, मैंने उनको फोन किया, हाँ हेड
तो बोले मेरा नंबर तुमको किसने दिया? मैंने कहा सर मेरे एक दोस्त ने दिया, और सर मतलब ऐसा ऐसा है मेरे पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, और आप एक बार देखो ना मेरा इंटरव्यू अगर हो जाता है, मेरी ड्रीम कंपनी है और मैं बड़ा कोशिश कर रहा हूँ। तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, मतलब उनको लगा कि हाँ बंदा बहुत एक्साइटेड है और इतना फाइट मार के मेरा नंबर ले आया है, तो कुछ तो होगा इसमें जो करना चाहता होगा। उन्होंने फिर मेरा इंटरव्यू शेड्यूल किया है ना, और मैंने उसमें इंटरव्यू दिया भी, बट वो इंटरव्यू मेरे डोमेन का नहीं था। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम दोबारा जो है, उसी इंटरव्यूअर ने बोला कि यार तुम बहुत इंटरेस्टेड लगते हो, मैं तुम्हारा नाम जो है दोबारा मैं रेफरेंस देता हूँ उनको कि आप दोबारा इसका इंटरव्यू लो। मैं दोबारा इंटरव्यू दिया, मेरा उस इंटरव्यू में हुआ नहीं, मैं फेल हो गया। ठीक है, तो मुझे एक चीज वहां से समझ में आई कि अगर आप फाइट मारते हो ना, छोटी सी छोटी सी फाइट मारते हो, अभी कितना टाइम लगता है कि एक नंबर निकाल के फोन करने में? 10 सेकंड लगता है वो, है कुछ नहीं ना? लेकिन आपको वो करना पड़ेगा, करना तभी पड़ेगा। आपको मिलेगा अपॉर्चुनिटी। ये ये तुमने तो एक मतलब है कॉन्फिडेंस जो इलीगल तुमने वे गेन है। किया ना, ये कॉन्फिडेंस लोग नहीं उठा हाँ पाते। ये इलीगल वे है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? नहीं लेकिन नहीं कर अभी सकते। कैसे तो होता है कि जब कुछ नहीं है तो बचा क्या है? हाँ कुछ नहीं है तो बचा गया। तो आज, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आज भी हूँ एचआर के जो हेड एचआर है, मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ, है ना? और मैं उनको मैसेज करता हूँ कि एवरी मतलब कुछ ऐसे हाँ, कुछ ओकेशन फेस्टिवल पड़ हुआ, गया तो दिवाली कुछ। हो गया, पी हो गया, हाँ तो वो भी सिकरवस। बोलते हैं थैंक यू सो मच। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ जॉब कर रहे हो, तो मैंने बताया कि अभी तो सर अभी पुणे आ गया हूँ न्यू शॉप में। तो बोले कि ठीक है बहुत अच्छी कंपनी है, काम करो वहां पे। हाँ बोला हाँ सर। तो बोले कि ठीक है बैकटेल में जब भी इंटरेस्टेड होगा तो बताना, अगर यहाँ पे ओपनिंग होगी तो मैं तुम्हें दोबारा करूंगा रिकमेंड। मैंने कहा सर थैंक यू सो मच। अब देखो इस कितना ये टाइप आसान हो लगते गया ये। और हाँ ये जो ना मैं देखता ना, लोग क्या होता है ना, लोगों से पूछो अप्लाई किया तो हाँ सर अप्लाई किया। कितने कंपनी अप्लाई किया? 3 कंपनी में। भाई 3 कंपनी बैठी थोड़ी है तुम्हारे लिए, ठीक है। यू कभी नीड नहीं टू बैठेगी गो सर। विथ द बैकग्राउंड। सारी कंपनी का एक रेंज बनाना पड़ेगा, ठीक है। रेंज बना के फिर वो क्या बोलते हैं, हम उससे जब कॉन्टेक्ट बहुत ज्यादा था, तो जिस तूने किया, मैंने भी एक दो कंपनी में कैसे किया था कि थोड़ी बड़ी कंपनियां थी, और बड़ी कंपनियों उसमें मैं गया और मैं जाके सीधे ये बोला कि मेरा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ है, डायरेक्ट कंपनी में गया था, ठीक है। वो बोले कि शॉर्टलिस्ट हुआ तो लेटर आया होगा, तो मैंने बोला हाँ लेटर आया हुआ। फिर मैं जबरदस्ती ऐसे किया, बैग में मोबाइल था, मुझे पता था मोबाइल लाना भूल गया मैं। उनको ऐसा बोला, मोबाइल लाना भूल गया मैं, ठीक है। और तो वो कहे कि ठीक है फिर आप बैठिए, आपको इंटरव्यू करा देते हैं, ठीक है। लिटरली मैंने पूरे मतलब 3 कंपनियों को ऐसे इंटरव्यू दिया, और यू कांट बिलीव मैंने सब में सिलेक्शन लिया था, ठीक है। और उन तीनों का नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। हो सकती है उसमें से एक कंपनी तुम्हारी भी हो सकती है ना, इसलिए नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो हाँ मैं तो देखता हूँ ना कि अभी जो भी मतलब जो भी लोग अभी देखिए, इन शॉर्ट सर एक ही चीज है कि सारे लोगों का मतलब एक ही मतलब होता है कि जॉब पाए। ठीक है, वो हाँ तो बेसिक नीड है कि जॉब पाए तभी कुछ सीखेगा और तभी आगे बढ़ भी पाएगा, है ना? वो तो चाहे जितना भी मतलब प्रैक्टिकल बातें तो यही है, बाकी जो हाँ भी चीजें कह लें कि आपको ये नहीं आता, आप वो नहीं आता, आप ये सीखो वो सीखो, बाय द टाइम आप सीख जाते हो। ठीक सीख है, जाते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी आता है ना तो कंपनी वाले आपको कभी रिजेक्ट ही नहीं करते हैं, रिजेक्ट नहीं बट करते। आपको फाइट मार के उतना दूर पहुंचना होता है। जैसे मैं सर बीच में अभी फोन करता था ना, मुझे मुझे ना बीच में सर अभी एमएनसी का चक्कर चढ़ा था कि मतलब मैं ना एमएनसी में ही केवल इंटरव्यू दूंगा, क्योंकि छोटे मोटे कंपनीज के ना मैं बहुत इंटरव्यू निकाल चुका था सर, आपको भी पता है सर, मैं आपको तो बताता ही था, है ना? तो कई सारे इंटरव्यू मैंने निकाल चुका था। तो मुझे अभी था कि जो अभी जो आराम से निकल जाता है उसको छोड़ देते हैं, वो तो मेरा बैकअप है। ठीक है, अभी एमएनसी में मैं अच्छे अच्छे कंपनीज में ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं कैसे फोन करता था कि सीवी अगर शॉर्टलिस्ट हुई तो ठीक है, नहीं शॉर्टलिस्ट हुई तो एक सीधा सा सिंपल से करते थे, किसी से नंबर लेते थे एचआर का और उसको फोन करते थे। तो पहले बात तो एचआर बोलती है कि आपको कैसे मेरा नंबर मिला, फोन क्यों कर रहे हो मुझे, आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होगी ना? तो मैंने 3 एचआर को लिटरली ऐसे पटाया कि मैंने कहा कि मैम एक्चुअली क्या था ना कि आपका मेरे पास पहले फोन आया था 10 दिन पहले, ठीक है, बट आई थिंक यू कांट रिमेम्बर दिस। कह रही हाँ ठीक है मैंने फोन किया, वो आपने क्या ना बताया? मैंने कहा मैम वो एक्चुअली मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ ना, मेरे पास आपका ईमेल आईडी है, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप तुरंत देख लो। तो जब तक वो सर्च करे तब तक मैं सब रेडी रखता था सर, अब पूरा रेडी रहते थे अभी। फिर तुरंत ही फॉरवर्ड कर दिया उसको, वो तुरंत ही देख करके हाँ भाई ये आपका रिज्यूमे ये पोर्टफोलियो ठीक है मैं इसको फॉरवर्ड करती हूँ। और लिटरली मैं दो दो कंपनीज में ऐसा इंटरव्यू भी लगा है ना, बहुत बढ़िया। और मैंने अच्छे से इंटरव्यू दिया, बहुत कुछ सीखा उससे। उसे ये समझ में आया कि आपको अपने लिए कोई ना कोई रास्ता खोजना पड़ेगा, खोजना कोई नहीं पड़ेगा, खोजेगा सर।
चाहे वो लिंक्डइन के थ्रू हो, चाहे वो गूगल के थ्रू हो, चाहे गूगल कैसे भी हो, सर लोग इंस्टाग्राम पे नौकरी पाते हैं। सच के बोल रहा हूँ, अभी कोई कोई कनेक्शन रहता हो, जो कोई एचआर वगैरह हो या फिर ऐसे कोई हो ना, आप हाँ उसको रिक्वेस्ट कर दो और दो चार दस आप रील भेज करके और मैसेज करके उसको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करके, मैं आपको जानता हूँ ऐसा वैसा, कोई वेब ओपनिंग है क्या? मैं इंस्टाग्राम का एक छोटी स्टोरी सुना दूँ, याद आ गया मुझे। और दूसरी हाँ चीज का समरी जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं बता दूँ कि देखो अभी क्या होता है कि थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है, जैसे विकास ने बताया। अभी मत जज करो कि गलत वे, कोई गलत वे नहीं है यार। जब खाने को कुछ नहीं, मतलब ठीक है सबका अपना अलग अलग सिचुएशन हो सकता है, बट अगर आपका जॉब नहीं है तो एफोर्ड तो करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया, जैसे विकास ने अपना दिमाग लगाया। विकास भी जैसे तुमने बोला ना कि इंस्टाग्राम का याद आया तुमको ना, तो एक लड़का मुझे बोला कि वो उसको एक कंपनी के सर्च कर रहा था बार बार, मेल व्हाट्सएप सॉरी लिंक्डइन पर मैसेज कर रहा था सामने वाले को, रिप्लाई नहीं जा रहा था। वो मुझे फोन करता, सर रिप्लाई नहीं आ रहा, मैं लिंक्डइन पर बार बार, मुझे इस बंदे से अगर मेरी बात हो जाए मेरी शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी। मैंने कहा नाम बताओ उसका, तो उसने बोला नाम ये उसका, उसका फोटो तो लगा हुआ है। बोला हाँ। मैं कहा जाके इंस्टाग्राम पे सर्च करो। ठीक है, उसने इंस्टाग्राम पे सर्च किया उसको, और सर्च करते ही तुरंत मिल गया। और इंस्टाग्राम एक ऐसा इतना स्पीड वाला काम है कि इंस्टाग्राम पर उसने मैसेज किया और इमीडिएट रिप्लाई आ गया। ठीक है, फिर मैंने उसको बोला कि अब उनको बता दो कि हम लिंक्डइन पर आपको मैसेज किए हुए। कैसे होता है कि लिंक्डइन में उतना कंज्यूमिंग टास्क नहीं है ना, रील्स वाला दुनिया तो है नहीं। तो नहीं, लोग क्या करते हैं, जैसे कि जो रेगुलर नहीं है, जैसे जो जॉब में आ गए हैं उनको लगता है रोज क्या यूज करें लिंक्डइन को, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं रहते हो। ठीक है, हार्डली आधे घंटे के अंदर उसका कन्वर्सेशन हो गया उस इंसान से, और उसके बाद उसने मुझे फोन किया, सर थैंक यू, आपने आपका ट्रिक काम कर गया। मुझे पता था कि वो अगर लिंक्डइन पर नहीं है तो बहुत खाली इंसान है, वो इंस्टाग्राम पर होगा। ठीक है, और काम हो गया। ठीक है, तो ये कर एक सकते चीज मैं हैं। बताना चाहता हूँ कि हाँ जैसे ना, कि देखिए ये तो इसका वो ऐसी चीजें हैं जो फैक्ट हाँ हैं, जो मैंने भी बताया, और हर एक आदमी अपने तरफ से फाइट मारता है कि मैं किधर किधर पहुंचू कैसे भी करके। लेकिन करेक्ट। जो सही वे है वो ये है कि आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, जैसे आपका जो रिज्यूम है और आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो कवर लेटर है, अगर वो एकदम एवरेज दिखेगा ना तो कोई सिलेक्ट नहीं करेगा आपको। ठीक है, अगर आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीधा सा सिंपल सा ये है कि या तो किसी से आप लिंक्डइन के थ्रू कांटेक्ट करिए, या फिर जो आपके सीनियर पर्सन है, जैसे वो आपके पास अगर कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास उन्हें सिखा रहे हो तो आपको भेजें। ठीक है, आपको तो खैर भेजेंगे तो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि आपके पास तो हर एक चीज का अनुभव है ना। करेक्ट, अगर आपको नहीं भेज पा रहे हैं तो किसी ना किसी एक ऐसे इंसान को भेजें जो कि उन्हें देख करके गाइड कर सके कि नहीं नहीं भाई तुमने देखो ये लाइन गलत लिखी है, और ये मतलब उन पे सेलेक्ट नहीं करते हैं। एचआर सर ऐसे कभी भी सेलेक्ट नहीं करता, कि बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को मैंने देखा है जो मुझसे 50 गुना ज्यादा टैलेंटेड है ना। आप तो भी 50 गुना ज्यादा टैलेंटेड होंगे बिल्कुल लोग, होंगे। लेकिन लोग उस छोटी सी जॉब के लिए बहुत एफर्ट मार रहे हैं लेकिन नहीं मिलती है। नहीं मिलती पता है है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि अभी जो आप खाना खाएंगे ना बाहर, अभी चाउमीन जो खाएंगे वो हाँ 20 रुपए की मिलती है। वो हाँ 20 की पता क्यों मिलती है? क्योंकि ना उसको 5 स्टार जैसे वाली ना डेकोरेशन करने नहीं आती, स्वादिष्ट नहीं 5 स्टार वाला नहीं होगा वो, खाली होता हेल्दी है, के नाम पे बहुत ना, अच्छी बस बात हेल्दी के नाम पे लोगों को बस पागल बनाएगा, और वो डेकोरेशन करके स्टाइल मार के फोटो दे करके आपको वही आपको दिखाना है एक्चुअली में, कि मेरा पोर्टफोलियो सबसे अच्छा है। आप मेहनत करो, पोर्टफोलियो अच्छे से बनाओ, रेंडरिंग अच्छे से करो, और एक चीज ये सोचो कि किसी एक ऐसे बंदे का पोर्टफोलियो लो जो ऑलरेडी उस फील्ड में हो और उसकी डिटेलिंग देखो। क्योंकि सिर्फ जैसे आपने आपने क्या किया कि सिर्फ आपने बात सुनी, इतनी आपने सुन लिया कि रेंडरिंग व्यू चलता है, आपने रेंडर उठा के लगा दिया, ऐसा नहीं। आपने क्या किया कि आपने उसका एक पोर्टफोलियो में एक प्रोजेक्ट बनाया, उसका सेक्शन लिया आपने, उसका एलिवेशन लिया, प्रॉपर बनाया, डिटेलिंग किया, डिटेलिंग ए किया। टू जेड सब कुछ, सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर किया। कवर लेटर में आपको जो चीजें, आपको पता है जो एक्सपर्ट देखते हैं तो क्या क्या चीजें वो देखते हैं, आप उसको मेंशन करो, तभी आपको वो रखेगा, अदरवाइज वो करेक्ट, आपको नहीं रखेगा। और ये चीजें ना आपको बाय द टाइम भी समझ में आ सकती है और दूसरों की गलती से भी समझ में आ सकती है। दूसरों जैसे की मैं तो गलती से आ इतना जाए तो स्मार्ट ज्यादा नहीं अच्छा हूँ, है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो इतना स्मार्ट नहीं हूँ कि चलो मैं दूसरों की गलती से समझा, लेकिन थोड़ा सा होशियार हूँ कि चलो धीरे धीरे समझ गया कि हाँ भाई ऐसे नहीं ऐसे होता है। हाँ जैसे साइट की जॉब में था ना सर, तो मैं आज भी देखता हूँ कि एक जो सबसे बड़ा फैक्ट है कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आपकी वीडियो हर आदमी तक पहुंचती हाँ है ना। हाँ तो जो भी मेरे साइट के जो भी दोस्त है ना, हाँ वो आपको बताए अभी तक उसी सेम पे स्केल पे काम कर रहे हैं, सेम वर्क प्रोफाइल है उनका, और सेम उसी बॉस की जो है रोज आना, मतलब हाँ
फॉरेज कह लें, है ना, रोजाना वो क्रीम फॉरेज लगा पीते रहे रहते हैं हैं, क्रीम। ठीक, हाँ बस वो क्रीम लगा रहे हैं। और रोजाना उनका क्या काम है कि वो बस सुबह उठे और फिर ड्यूटी गए, फिर शाम को चले आए साइट से, ठीक है। ये सिर्फ साइट की बात नहीं है, ये हर हर इंसान के प्रोफाइल, लिए है, हर हाँ प्रोफाइल। हर एक प्रोफाइल के लिए है जो अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में नहीं डाल रहा है। अगर सीखना है और अगर आगे बढ़ना है लाइफ में, तो मैं एक एक से लोगों को देखता हूँ जो हमारी एज में मैनेजर बन गए हैं। मैनेजर बन गए। हमारी एज में मैनेजर, जैसे अभी यहाँ पे मेरे जो कंपनी में जो करंट बॉस हैं, बॉसेज हैं, ठीक है, इतने पोलाइट हैं, इतने डाउन टू अर्थ इंसान है वो लोग, इतने बढ़िया हैं। और उनका नॉलेज आप देखेंगे ना, इतना एक्सट्रीम लेवल का नॉलेज है, लेकिन आप जब कुछ बोलेंगे ना तो आपको सुनेंगे वो, आपको ऐसा वो जज नहीं करेंगे कि नहीं 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 आप गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है, ऐसे करो, ऐसा कुछ नहीं है नहीं वो आप, क्योंकि वो भी एफर्ट मार के आए हैं, वो भी सीख के आए हैं। एक दिन हमारी सबकी बात हो रही थी, सबने बोला कि भाई साइट पे कौन कौन काम किया है, तो सभी अपना अपना एक्सपीरियंस बताने लगे, तो वो भी अपना बताने लगे कि भाई अरे यार हम भी थे, तो वो टोपी लगा करके ऐसे रोज ही पहुंच जाते थे मोटरसाइकिल पे, है ना, रास्ते कि आज में ये तेल होगा आज खत्म वो हो होगा। गया। अरे सर बहुत बहुत चैलेंजेस होते हैं। तो हाँ मैं बता रहा हूँ कि जो भी मैं मेरे जो साइट के दोस्त है ना, उन सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपको अगर थोड़ा सा भी आप एफर्ट कर लेते हो ना, सिर्फ 1 2 घंटा ही दिन का मेहनत करते हो, तो आपने 4 साल 5 साल में जितना भी ग्रोथ किया है ना, आप उसका डबल 1 साल में पाओगे ग्रोथ। ये मेरी सही बात। गारंटी है सर, बता रहा हूँ, ये गारंटी है कि आप डबल या ट्रिपल पा सकते हो, आपकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है वो। और विकास, ये चीज पहले मतलब टफ था, हाँ पहले टफ था, अभी तो बहुत आसान है सर। अभी तो लोग, अभी जैसे हमने जो गुरुकुल का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, अब कुछ हाँ करना ही नहीं है, सिर्फ सिस्टम में आ जाना है, ठीक है। हाँ 4 महीने बस आपको टाइम दे देना है, जितना बोलो हाँ उतना प्रैक्टिस कर लो, हमारी दुकान में वो सब हाँ कुछ है जो प्रोडक्ट बाहर चाहिए, ठीक है, आप पढ़ लो चले जाओ। सब और कुछ ये सोचो, जब 2016 में जब तुम पास आउट हुए थे, तब हाँ ऐसा सिस्टम हाँ कहीं नहीं था। कहीं नहीं था सर। सर मुझे याद है, मैं ना YouTube पे स्क्रॉल कर रहा था, ठीक है, मैं हाँ, पहली बार आपसे कब बात किया मैं बता रहा हूँ शायद ऐसे, तो 2016 मैं में मेरा एक वीडियो ना पहली बार लॉन्च हुआ था, फिर आप बताओ। सर मैं ना स्क्रॉल कर रहा था, तो मतलब मुझे ना आपका वीडियो दिखा, तो मुझे लगा ना कि क्या पता नहीं क्या है ये, बिम क्या है ना, क्या बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग है। फिर हमें लगा पता नहीं क्यों ही करे यार, कोई क्यों इतना वो करेगा, और पता नहीं सीख के भी क्या होगा, मन में आते हैं सर बहुत, मतलब जो हाँ, मेरे मन में आ रहा था आना वो बता रहा हूँ। चाहिए, आना भी फिर चाहिए, लगा बहुत कि इम्पोर्टेंट है। हाँ सच में, फिर हाँ, लगा कि नहीं यार बात ही कर लेते हैं, फिर लगा कि छोड़ो देखते हैं 2 3 दिन बाद बात करते हैं कुछ होगा। तो फिर एक दिन ना मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, तो फिर मैंने ना फिर मुझे आपका वीडियो मुझे सामने आया, ने कहा यार अभी तो रुको मैं बात कर लेता हूँ। फिर जब मैं बात किया ना आपसे, तो मुझे समझ आया कि नहीं एक्चुअली मैं सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया के बाहर एक और दुनिया है जिसको बिम कहते हैं, है ना। अभी तो ये सिविल इंजीनियरिंग का तो एक बहुत छोटा सा फॉर्म है सर, ये बिम, फॉर्म है सही ना। बात, सिविल इंजीनियरिंग तो बहुत बड़ी चीज है बहुत बड़ी। जो कि लीजेंड्स लोग ही समझ सकते हैं, हम लोग तो बस थोड़े मोटे मतलब चीजों पे हैंडल कर लेते रहे, सही और बात, इसी में हमेशा अपने आप को समझते हैं कि बहुत ज्ञानी है ये है। लेकिन जब मैंने आपसे पहली बार बात किया ना, तो जब बिम के बारे में मुझे पता चला, तो मुझे लगा कि यार अब तो मतलब ऐसा हो गया है कि हाँ कुछ इसके अलावा भी है, एक बार चांस मार सकते हैं। फिर सोचा कि यार इतनी अच्छी खासी जॉब है यार, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत से डांटी तो मिलती है ना, और सही इतना क्या है ना, छोड़ो अभी। जब तक मैंने कोर्स किया सारे दोस्तों की जॉब लग गई सर, मैंने लेकिन कहीं भी जॉब नहीं किया, क्योंकि आपको ही पता है कि मैं 20 25 हजार में नहीं कर सकता था नौकरी सर, है ना, क्योंकि ऑलरेडी तुम पचास अच्छा साठ हजार रुपए पैसा, की सैलरी ले हाँ रहे थे उस समय पर। अच्छा, अच्छा खासा सर पैसा कमा रहा था, तो अभी क्या बोलूं मैं। ऊपर से आपको ही पता है कि साइड पे है बंदा तो अच्छा खासा रोला होता है थोड़ा, फिर हाँ, ये होता है कि, लेकिन सर ना लाइफ नहीं होती उसमें। मुझे लग रहा था ना कि मतलब कि जो आदमी साइड पे ना 10 साल काम करता है, वो असल में 10 साल नहीं काम करता है, वो अपने लाइफ को 20 साल कमाता है, क्योंकि वो इतना थक जाता है और वो इतना ज्यादा दिमाग से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ये एक्चुअल फैक्ट बात है फैक्ट है, सर, फैक्ट है, जो मैंने देखा है, ग्राउंड रियलिटी है। ग्राउंड रियलिटी है सर। जब भी धूप में कोई खड़ा होगा ना 5 घंटे तपती धूप में, तब तो उसको समझ में आएगा कि एक्चुअल में भाई हम सच में बूढ़े हो जाएंगे 10 साल बाद, हो है ना, हो जाते हैं। जाते हैं, और कोई भी स्किल ग्रो नहीं हो रही है। सबसे बड़ी चीज है कि चलो मैं अपना उतना टाइम दे रहा हूँ और मैं उतना मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरी स्किल ग्रो होनी चाहिए ना, सही वो बात, स्किल ही नहीं ग्रो हो रही है सर। और अगर वो स्किल ग्रो नहीं हो रही, तो क्या ही फायदा मेरे इतने मेहनत करने की,
सही बात है। आज के टाइम में तो एक एक बच्चा बच्चा जानता है। मैं अभी सर कुछ टाइम पहले अभी मैं कॉलेज में गया था तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे थे ना वहां पे, तो वो बोल रहे हैं कि आप भैया क्या काम करते हो, तो उन्होंने बताया कि यार अभी हम हाँ मतलब ऐसे ऐसे हैं, हम बीम में काम करते हैं, बीम इंजीनियर हैं और स्ट्रक्चर मतलब डिजाइनिंग में हैं ये सब में। हाँ तो बोला ठीक है, तो बोला कि हाँ मुझे पता है उसके लिए ये सॉफ्टवेयर करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ये करते हैं, और ना मतलब बहुत सारे इसके ये है, अभी तो डायनमो वगैरह भी आ गया, स्क्रिप्ट रन कर दो तो काम हो जाता है। मुझे वो समझ में आया कि अगर यार मैं उस टाइम कितना होशियार होता तो क्या होती मेरी लाइफ, हाँ पता है ना सर, है ये ना, कि मैं खुद मेरे को खुद ही नहीं पता था कॉलेज में। मैं तो धक्के खा खा के सीखा हूँ, तुम लोग को बता भी चुका हूँ कि मतलब जो जो बता रहा है बस उसी रास्ते में चले जा रहे हैं, बस लास्ट में पूछ रहे हैं पैसा मिलेगा ना मेरा घर चलेगा ना पेट चलेगा ना, बस वही चाहिए था। ठीक है, तो ये लेकिन धक्के अभी हैं। अभी अभी दिखता है ब्राउट फ्यूचर, मतलब पूरा ब्राइट फ्यूचर दिखता है। अभी समझ में बहुत आता है कि जो है ऐसा नहीं है कि आप अगर साइट पे काम कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ को मोल्ड नहीं कर सकते हो। जो नहीं कर रहे हैं भाई, मैं तो कहूंगा कि सबसे सिंपल सा चीज है, आप जाओ किसी भी ऐसे ट्रेनर के पास में, या फिर मतलब किसी के पास भी जाओ, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी अगर कैपेबिलिटी है ना, जैसे आपका कोर्स तो सर पूरा प्लान्ड है कि मतलब आप जाओ, फीस पेमेंट करो, उसके बाद सारी अटैक आपकी रहती है ना। क्योंकि मैं अभी भी सर मैं इंटरव्यू देता हूँ है ना, तो मैं आपको फोन करता हूँ सर वो क्या पूछेंगे सर बताइए ना, तो आप किसी भी सिचुएशन में रहते हैं उन्हें थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा टाइम निकाल के बताता हूँ अभी मैं, रुक जाओ, और आप लिटरली फोन करते हैं, आप बताते हैं कितना टाइम हो गया सर है ना, लेकिन फिर भी आप सबकी हेल्प करते रहते हैं। जो बैचेस में है, जब हमको याद था ना हम बैचेस में थे, तो आप मेरा इंटरव्यू रहता था या किसी का भी इंटरव्यू रहता था, आप स्पेशली उस दिन एक दिन की क्लास रखते थे कि ये कल क्या पूछ सकते हैं, हो सकता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए है ना, तो इसमें ये चीजें तुम प्रिपेयर कर लो पहले ही, आपका आपके पास तो पूरा डिजाइनिंग है, सब कुछ ए हाँ टू जेड सब कुछ डिजाइन पे में है। लेकिन अगर कोई ऐसा भी बंदा है जो नहीं सीख पा रहा है, तो करेक्ट, उसको सिंपल सा एक काम करना है कि भैया फोन उठाओ और आपसे बात करो, और किसी से भी बात करो, मैं नहीं कहूंगा सिर्फ आप ही से बात करो, अरे बहुत सारे गुरु सीधे हैं ऐसे। हाँ सीधे सिलेबस हाँ अवेलेबल है, हाँ सब कुछ, सीधे एक तरफ से पढ़ना है। हाँ यूट्यूब बस आपका सबसे बड़ा दोस्त है। सबसे बता रहे तो कि जो आपका कोर्स खरीदते हो तो आपसे पढ़ते हैं, जो नहीं कोर्स खरीदते तो भी पढ़ते हैं आपसे, है ना। हाँ आपके पास ना 10 नहीं 50 रास्ते हैं आज के समय में, आप ना कोई भी मतलब वो यूट्यूब पे चैनल पे जाओ सीखो, नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है कि नहीं भाई डीप नॉलेज की जरूरत है। जैसे सर मैं तो एक एवरेज इंसान हूँ, मुझे जब तक आपका गाइडेंस नहीं मिला मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, क्योंकि जिन जिन भी लोगों को मैंने देखा है कि अगर जैसे आपने क्या है ना कि अभी आपने जैसे आपने गुरुकुल का बैच ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो 4 महीने में आप वो सब चीजें सीख जाते हो जो आने वाले 2 सालों में आप सीखोगे एक इंडस्ट्री के अंदर, जो फैक्ट है। तो इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई भी चीज है तो उसका एडवांटेज लेना हमेशा सीखना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जो चीजें आप सीखोगे ना वो 5 साल बाद तक के आपको बहुत हेल्प करेंगी, उसके बाद आप आने वाली लाइफ में धीरे 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 रहते रहते आप आगे की चीजों को ग्रो करोगे। लेकिन सही अभी बात के लिए राइट टाइम यही है कि अभी उठो और भैया अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करो, 2 घंटा मेहनत करो, अपनी अनकंफर्ट लाइफ जोन में को जाओ। चेंज करो। हाँ अनकंफर्ट जोन में ये जाओ। लोग जाना नहीं चाहते। देखो तुम जब तुमने हाँ मैंने तुमको सुबह फोन किया, शायद तुमने जब जब बात हाँ हमारी हुई तुमने बोला सर वो मैं हाँ जिम चला गया था, और फिर हाँ उसके बाद मैं शायद 8 या 9 बज रहा था, मैं लैपटॉप पे बैठ के काम कर हाँ रहा था। मैं बोला यार हाँ तुम यार मेरे को डिमोटिवेट कर रहे हो, तुम जिम चले गए, मैं बैठा हूँ ठीक है। मैं तुमको बोला भी ना ये चीज जरूर कि मैं तुरंत अपने आप को अनकंफर्ट जोन में डालने लगा ठीक है। और उसको डालना जरूरी क्यों था, शायद उससे मुझे इंस्पिरेशन मिले कि शाम को नहीं जिम जाऊंगा, वॉक करके आऊंगा। तो जरूरी है सर, हेल्थ तो सबसे बड़ी चीज है सर, क्योंकि मतलब अगर आप कंफर्ट जोन से हाँ निकालो सच में सर ठीक है। और मतलब कंफर्ट जोन से निकलना जरूरी है। और जैसे भी साइट पर और जो लड़के सर काम कर रहे हैं इनका यही कंफर्ट जोन वाला ही हाँ प्रॉब्लम है, मतलब एक बन गया रूटीन। जैसे कोई ऑटोकैड में काम कर रहा है तो मैं देखता हूँ बन गया रूटीन, रूटीन को तोड़ना पड़ेगा बढ़ने के लिए। चलो तुम कुछ तोड़ना बोल रहे थे पड़ेगा बोलो पहले सर। उसको, जो तुम बोल रहे थे कंप्लीट करो उसको। मैं बता रहा था सर कि मैं मतलब अभी कुछ टाइम पहले की बात बता रहा हूँ कि मुझे रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। मुझे याद है, चल रहा है रिकॉर्डिंग चल रहा है। मुझे ओके ओके हाँ मुझे मुझे सर अभी मुझे याद है कि मैं अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपने दोस्तों से बात किया, तो मैंने उनको बताया कि यार मतलब वो बोले कि यार तुम अभी क्या कर रहे हो, और कहाँ कहाँ इतनी अच्छी अच्छी फोटो डालते रहते हो, घूमते रहते हो हर जगह, तो यार हमें भी बताओ तो हम भी कुछ करें, और ऐसी जॉब बताओ। तुमने कहा भाई ऐसी जॉब के लिए तुम्हें थोड़ा सीखना पड़ेगा, तो तुम सीख लो,
और फिर कुछ बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा पैसा दे करके, बस तुम्हारा डेडिकेशन तुम्हारी मेहनत लगती है, डेडिकेशन ठीक है। चाहिए। हाँ तो अब सर अभी आपके कोर्स की फीस बात करें तो आप तो कुछ पैसा नहीं लेते सर, है ना, हाँ, इतनी बता रहा जैसे हूँ जो कि मार्केट है, लोगों ने हाँ को बना रखा है हाँ प्रारूप, उसके हिसाब से हाँ तो उसका 10% भी नहीं इसका 10% है। एग्जैक्टली 10% भी नहीं है करेक्ट। आपकी फीस, क्योंकि आप टीचर हो, ठीक है, आपको ना समाज में बदलाव लाना है, ठीक है। तो अभी जो वो बिजनेस बनाने के लिए बैठे हैं वो अलग चीज है, ठीक अलग है, चीज है। लेकिन अभी मैं उनको बता रहा था कि यार ऐसा ऐसा है, चैनल है सर का, इनका देख लो, ठीक है, तुमको नहीं समझ में आती है तो बहुत बेसिक सी चीजों को समझा देते हैं, और मैंने भी वहीं से सीखा है, बहुत अच्छा है। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई मैं देखता हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं 2 महीने बाद फिर उस आदमी को फोन किया, मैंने कहा यार वो वीडियो देखा था क्या तुमने, ऐसे हमारी बातों बातों में बात हुई थी कि तुमने देखा था क्या, तो जॉब के लिए बार बार परेशान रहते हो। तो उसने बोला कि अरे टाइम कहाँ है यार, तुमने कहा सही बात है। तो मैं वो एक कोटेशन है ना कि सर ऐसा हेनरी फोर्ड का कि इफ यू थिंक यू कैन डू इट, इफ यू थिंक यू कांट डू इट देन यू आर राइट, है ना, वो परफेक्ट एग्जाम्पल है सर, वो तो परफेक्ट है कि आपको निकलना पड़ेगा सर, थोड़ा सा कंपनी तो वहां से निकलना होगा, से निकलना पड़ेगा, क्योंकि और हर वो आदमी निकलता है सर। और जब तक नहीं निकलोगे कैसे होता, किसी भी स्थान पर ना, एक स्थान, एक टाइम के बाद ना वहां पर आपको एक वो फीलिंग आने लगती है। और पता है क्या, कुछ लोग ना, मतलब जैसे मैं अपने जर्नी में एक बार देखा कि जब मैं कंटिन्यू एक जॉब को काफी दिन तक करने लगा ना, मेरे कॉन्फिडेंस ही खत्म होने लगे। मुझे लगा मैं दूसरे जॉब को क्रैक नहीं कर पाऊंगा, इसी चुपचाप पड़ा रहता हूँ, मतलब अंदर से डर लाने लगा। ठीक है, आता है तो सर, फिर आता मैंने है तुमको सर। एक स्टेप बताया था कि मैंने थोड़ा सा फाइनेंस बनाया, फिर मैंने कहा अब स्टेप तो लेना पड़ेगा, फिर स्टेप्स लिए लाइफ में, और ऊपर वाले ने सब वर्क किया, हाँ सर, आपका ये जो बहुत फाइनेंस इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है ना उसी पे उसको मैंने भी अपनाया था, और मुझे है। बहुत हेल्प किया सर वो, क्योंकि आपको भी पता, मतलब मेरे फादर का भी थोड़ा सा हाँ, मतलब वो हो गया था, सही है ना, बात है। तो मैं बड़ा उस समय टूट गया था। तो लेकिन ना मेरी जो उस समय सेविंग्स थी ना मेरी बहुत काम आई, क्योंकि मैंने उसके जस्ट ही बात, क्योंकि अभी फादर ही थे जिनकी वजह से मतलब बहुत मैं इस सब चीजों में इन्वॉल्व था, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी घर से दूर रहते हैं, तो घर से दूर रहने के लिए सबसे बड़ी चीजें फंड चाहिए होती है ना, क्योंकि पैसा ही मेन होता है। तो लेकिन जो आपका जो थ्योरी था ना कि ऐसा करो कि 6 महीने का कुछ, 1 साल का कुछ ऐसा पैसा इकट्ठा करके अलग जगह पे रख लो, कि जो तुम अगर 1 साल भी काम ना करो तो तुम्हारा परिवार चल जाए, ठीक सही बात है। तो मैंने सर वही किया था कि 1 साल तक के मुझे ऐसा लगा कि यार अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो चलो 1 साल तक के मैं अपना पैसा बचा के रखूंगा, मैं उसे जी खा लूंगा। लेकिन सर पता नहीं लकली कैसे कैसे चांस मिलता गया, मिल जाता है सर वो मिलता पता है क्यों सबको है, मिलता है। मिलता पता है क्यों हाँ है, जब किसी चीज का बैकअप हाँ बना लो खराब ही नहीं होता। अभी अपन जब जब हाँ रिकॉर्डिंग से पहले हम लोग बात कर रहे थे, हाँ मैंने बोला ना कि मैंने दो हाँ इंटरनेट लगवा लिया, पहले एक इंटरनेट लगवाया रोज क्लास के बीच में डिस्कनेक्ट, जब दो इंटरनेट लगवा लिया 4 महीने तक तो बिल दे रहा हूँ, जा ही नहीं रहा, एक ही इंटरनेट चल रहा है अच्छे से। ठीक है, तो बैकअप जब आपके पास हो जाता है ना, तो आपका माइंड यहाँ से प्रिपेयर हो जाता है। अब सच बोल, में और प्रिपेयर हो मतलब जाता मेन मेन डिसीजन क्या होता है ना, यहाँ से जब कॉन्फिडेंस आ गया ना, साला कोई है। चीज दुनिया का ऐसा है नहीं जो तुम पा ही ना पाओ। सच में सर, वो तो लगता है कि अगर आप इधर से आप स्ट्रांग हो ना, और आपकी सोचे की कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी है, और आप बस एक चीज का सेल्फ बिलीव है कि मैं कर ले जाऊंगा, आप सच में कर ले जाएंगे, एक एक चीज आप कर ले जाएंगे सर। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है ना कि जिन्होंने कुछ नहीं सीखा है, कुछ नहीं किया है, ठीक है, उन्होंने बस जैसे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं, हाँ, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन प्रॉब्लम्स रही है, और वो ऐसे इधर की वीडियोस देख के, उधर की वीडियोस देख करके, सीख करके, कुछ यहाँ से सीख करके, और उन्होंने अच्छे अच्छे इंटरव्यूज क्रैक किए हैं सर। और ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी जॉब पे हैं, हाँ 15-15 लाख का पैकेज मारा है सर पंद्रह उन्होंने, पंद्रह पैकेज लगा। ऐसा नहीं कि 20-20-25 हज़ार रुपए की जॉब पे है, अब आपके ऊपर है कि आप अगर सीख करके आगे बढ़ पा रहे हो तो बढ़ जाओगे, वरना आप भी कुछ नहीं कर सकते हो सर। अगर आप हाँ सिखा रहे हो किसी को, अगर आप मुझे सिखा रहे हो, ठीक है, और मैं दिन भर यही रोना लेकर बैठा रहा हूँ, हाँ अप्लाई तो कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा हाँ है, मिल नहीं रहा है, आप कह रहे हो मिलेगा, परेशान मत हो, धीरे हाँ धीरे मिलेगा, पेशेंस नहीं है तो नहीं मिलेगा, सही बात वो है। आपके मेंटेलिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है, A to Z सब कुछ, मैंने देख लिया सर ये। मैंने ना विराट कोहली का एक इंटरव्यू देखा था, उस इंटरव्यू में एक वर्ड उसका मुझे इतना अच्छा लगा था कि अभी भी मैं उसको अपने दिमाग में ही रखता हूँ। उसका सब उसने बड़ी अच्छी बात बोली कि यार मेरे सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा रोल, वो बोले कि अरे आपके सक्सेस के पीछे किस चीज़ का रोल है ये वो दादा, बोले नहीं भाई ये सब का कोई रोल नहीं है, सिर्फ एक चीज का रोल है जिसको मैं मानता हूँ, माइंड सेट। माइंड सेट बन गया बस। ठीक, अब उसका माइंड सेट ही है विराट कोहली, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। सच में ठीक है, वो तो तो माइंडसेट विराट का कोहली गेम है है सर, पूरा। तो
नहीं मतलब हम उनसे, जिस तरीके से होता है कि अभी आजकल जो इस पे चर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जैसे कि मैं तुम्हारे साथ जब तुमने बोला ना कि सर 5 मिनट का समय दीजिए थोड़ा वाईफाई गड़बड़ हो गया है, तो अब वो 5 मिनट में चाहता तो मैं बैठ के रील्स देख लेता, ठीक है। हाँ और एक एक मिनट के लिए मेरे माइंड में आया भी कि चलो थोड़े से मोबाइल में इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेता हूँ, खुला भी ऐप बट मैं रील तक नहीं पहुंचा, ठीक है, मैंने तुरंत स्टॉप कर दिया। मैंने यूट्यूब खोला और किसी का एक वो था पॉडकास्ट टाइप का ही वीडियो था कुछ, तो कुछ लोग को मैं ऐसे फॉलो करता हूँ जैसे संदीप महेश्वरी, तुम जानते हो संदीप महेश्वरी जी को करता हूँ, सदगुरु को देखता हूँ, ठीक है, ऐसे कुछ अच्छे मतलब हैं जो उन लोगों को देखता हूँ, उनके वीडियो अपने मैं आप भी आ देखता जाते हूँ, हैं। तो मैं भी हाँ फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो मतलब कैसे होता है कि मतलब कैसे होता है कि जैसे मैं अगर किसी से, सपोज तुम्हारी दोस्ती मेरे से नहीं हो सकती है, स्वाभाविक सी बात है, तुम अपने लाइफ में बिजी हो, मैं अपने लाइफ में बिजी, बट दोस्ती हमारी कैसे हो सकती है, मेरे वीडियोस आ रहे हैं तुम देख रहे हो, करेक्ट हो रहे हो ना। संदीप महेश्वरी से मेरी मेरी दोस्ती नहीं हो सकती है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन संदीप महेश्वरी के वीडियो को थोड़ा तो हम उनसे दोस्ती कर सकते हैं ना, कनेक्ट कर सकते हैं ना। हाँ सच में तो आज के टाइम में तो ये सबसे बड़ा आसान काम हो गया, तो जिससे दोस्ती करना है हाँ आराम से कर सकते हो। और दोस्ती कभी वो सेल्फिश वाली दोस्ती तो है नहीं यहाँ पर, यहाँ पर तो वन वन टाइम वन साइड है ना, वन साइड जब प्यार अच्छा होता है तो दोस्ती है, ठीक है। तो रील्स ना देख के, ठीक है वन साइड प्यार कर लिया जाए, ठीक है, मतलब दोस्ती कर लिया जाए, तो लर्निंग अच्छे से मिल जाती है। तो मैं यही करता हूँ कि जिससे भी मुझे लगता है कि यार इस इंसान से डायरेक्ट मेरे लिए बात करना पॉसिबल नहीं है फ्रॉम एनी रीजन, उनसे कनेक्शन बना लो, आज के टाइम में बहुत अच्छा सोर्स है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, अभी विकास एक और अच्छी चीज ऐड करना चाहूंगा कि कुछ लड़कों को मैं देखता हूँ, मतलब वो खुद ही बताते हैं कि सर मैंने आज 6 घंटे मोबाइल चलाए हुए हैं, 6 घंटे, ठीक है, और वो इतना डाटा कंज्यूम कर चुके हैं, इतना ज्यादा नॉलेज गेन कर चुके हैं इंस्टाग्राम पर, ये करोगे तो बॉडी बन जाएगी, तरह तरह की चीजें जो आती रहती है। अब उनसे पूछ लो कि पूरे दिन में तुमने सीखा क्या है, दे कांट एक्सप्लेन वन सिंगल लाइन। तो मुझे लगता है कि ये 6 घंटे न करके केवल 10 मिनट, ठीक है, मैंने तुमको एक बुक के बारे में बताया था कि मैंने बोला कि भाई एक बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दो, 10 मिनट एक बुक पढ़ लो, 10 मिनट एक कोई अच्छा सा वीडियो देख लो, अच्छा सा इन द सेंस जैसे पॉडकास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरीके से अच्छे वीडियो देख लो, तुम्हारा पूरा दिन अच्छा हो जाएगा और पूरे दिन में एक निचोड़ लर्निंग आ जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है। तो बेसिकली मैं तो भाई करता हूँ, मैं जो अच्छे लोग हैं उनके वीडियोज को देखता हूँ, ठीक है, लाइट चली गई थी क्या, ठीक है, मैं उनके नहीं नहीं सर, लाइट नहीं चली गई थी एक्चुअली। मेरा ना मतलब लैपटॉप का थोड़ा बैटरी डिस्चार्ज हो गया सर, तो कोई मैं फिर बात से है, कोई मोबाइल से कनेक्टेड हो गया। कोई बात जी कोई बात नहीं, जी मेरा भी ऐसा हुआ था, लेकिन फिर मैंने ना ये तुमसे बात करते करते चार्जिंग को लगा दिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के मतलब कैसे होता है कि हम 10 चीजों को ना देख के एक चीज पर फोकस करके उसको अंदर एडॉप्ट कर ले, जो सर ये तो सबसे बड़ी बात इम्पोर्टेंट है हो सर। जाए। मतलब जैसे मैं देखता हूँ ना कि लोग क्या कहते हैं, लोग सोचते हैं मैं भी ये भी सीख लूँ, मैं वो भी सीख लूँ, मैं वो भी सीख लूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप 10 चीजों को छोड़ करके आप पहले एक चीज से फोकस करो। जब भी आपका उस पर कमांड आ जाए तो फिर आप, जैसे अभी आप नेविस वर्क की बात करो ना, तो नेविस वर्क में जो बेस्ट पार्ट है क्लैश डिटेक्शन, क्लच ठीक डिटेक्शन, है। अगर आप फ्रेशर भी हो और आप लोगों को भी बता रहे हो कि भाई मैंने ना मतलब कोर्स किया हुआ है और उसमें मैंने 6 महीने 7 महीने 4 महीने मैंने वहां पे क्लैश डिटेक्शन किया है और तकरीबन 20-25 प्रोजेक्ट क्लैश डिटेक्शन किया है, उसके आपने स्नैप्स लगाए हैं पोर्टफोलियो में और आप उनकी चीजों को एक्सप्लेन करके बता रहे हो ना, तो वो इंटरव्यूअर आपकी चीजों को बहुत ध्यान से सुनेगा और आपको कहेगा कि भैया ऐसा है, आ जाओ हमारे पास काम है, क्योंकि एज अ नेविस फ्रेशर वर्क इतनी बड़ी बहुत बड़ा बात, प्लेटफॉर्म है। ऐसे हाँ बड़ी बात और बस, एक फ्रेशर से हाँ सुनना ही बड़ी बात सच हो जाती है। में सर मैं तो देखता हूँ कि चलिए अभी तो ये चीज समझ में आ रही है कि चलो भाई ठीक है, अभी जो कोर्स कर ले रहा है ठीक है, उसको मतलब नॉलेज हो जा रही है सॉफ्टवेयर की। सर यहाँ पे न्यूसॉफ्ट में GET भी हायर होते हैं जो विदाउट मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर के स्किल्स के आते हैं। आते हैं अगर उनके पास सॉफ्टवेयर की स्किल्स है ठीक है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो ऐसा भी नहीं है कि वो आपको रखेंगे नहीं, वो आपको नहीं, रखेंगे, बशर्ते वो बात है कि फिर आपका वही साल 2 साल पूरा टाइम जाएगा, फिर से आप सीखोगे, फिर वही बेसिक सैलरी पे काम करोगे, लेकिन अगर आप मतलब सीख के आ रहे हो तो कुछ ही टाइम में प्रमोट हो जाओगे, आपकी सैलरी भी अच्छी खासी इंक्रीज हो जाएगी। सही और बात मेरे है, ख्याल से सैलरी बहुत मायने रखती है, सबसे अगर इम्पोर्टेंट है छोटा सा, हाँ अगर छोटा सा कुछ मतलब सीख करके अगर आप आ रहे हो और उससे आपको ग्रोथ मिल रही है तो ग्रोथ सबसे मिल रही बेस्ट है। है वो तो। नहीं क्या होता है जीटी में ना, क्या होता है जब जीटी मतलब ग्रेजुएट ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं विकास, तो ग्रेजुएट ट्रेनिंग रखते हैं लोग, बट कैसे होता है कि ग्रेजुएट ट्रेनिंग में आपको बेनिफिट नहीं है,
जो ट्रेनिंग हाँ वहां आपको पर, बेनिफिट ज्यादा नहीं है। हाँ क्योंकि कैसे होता है उनका सैलरी पैकेज, जो अभी मैं जो बताया जेटी का जो सैलरी है वो 18 से 22 का है, तुम्हारी कंपनी का मुझे पता है, लगभग हाँ 22 हज़ार बहुत दे बहुत देते हैं। कम है हाँ उससे। हाँ ठीक है, तो इतना देते हैं। अब वो डिपेंड उससे भी करता है कम किस, देते हैं सर, हाँ मतलब किस उससे भी कॉलेज कम से देते आ हैं रहे कभी हो उस कभी। पे मैटर करता है, किस कॉलेज से आ रहे हो और तुम्हारा जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसके, मुझे पता है क्या क्या पूछते हैं, तो वो सब पूछ के ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मतलब कैसे होता है मेरे, मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं ना चीज़ों पर जब फोकस करता हूँ कि यार ये चीज़ पकड़ लेता हूँ, तो जैसे मुझे किसी एक ने बताया कि ग्रेजुएट ट्रेनिंग में मुझे ये पूछा गया, तो मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि इस चीज़ को आज अपने अंदर एडॉप्ट कर लूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नॉलेज किसी ना किसी को अच्छा काम में आ जाता है, और शायद उसी की वजह से ये सच अभी एक और नोट्स बना रहा हूँ विकास, तुमको बताना चाहता हूँ, तो एक और छोटा सा अनाउंस कर देता हूँ सबको, अभी अपनी नीम की एक छोटी सी बुक पब्लिश हो रही है, ठीक है, बहुत जल्दी। ठीक है, तो मैं मतलब जो नोट्स तुमने देखा था उस नोट्स को और कंटिन्यू कर लिया हूँ थोड़ा सा और आगे तक। अच्छा मैं उसको परसों, मतलब थोड़ा ब्रीफ वे में। हाँ परसों मैंने एक उसका एक एक एडिशन छोटा सा शेयर भी किया लोगों को, यूट्यूब पे ही शेयर किया, ठीक है, परसों वाले वीडियो में मतलब मैंने दिया था उनको कि आप पढ़िए, क्योंकि कैसे होता है लोग पढ़ेंगे, हो सकता है मैं कुछ गलत लिख दूं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन गलत लिखूंगा तो लोग कमेंट तो करेंगे ना। जैसे आज पॉडकास्ट की स्पेलिंग में गलत लिख दिया था आज की वीडियो, मतलब ठीक है वीडियो में, हो सकता है वीडियो, ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट है सुभाषिस, उसने मैसेज किया सर वो आपने ए लिखना भूल गए हो, मैं क्या जल्दी से एडिट करके आया, बुराई क्या है, ठीक कोई है, बुराई नहीं है सर। वही बुराई नहीं है, सर लेकिन आपको एक चीज याद होगा कि हाँ जो हम मतलब जैसे हम इंजीनियरिंग में पढ़ते थे सर, तो हमने देखा ना कि उसमें जो राइटर होता था उस हाँ राइटर का पीछे ना ईमेल आईडी और उसका पता लिखा होता था कि हाँ अगर आप इस बुक में कोई भी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि एडिशन में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ ऐसे मतलब कहीं पे भी आपको लगता है कोई हाँ कंटेंट गलत है, तो आप उसको राइटर को रिकमेंड करो या मेल के थ्रू या फिर चिट्ठी के थ्रू। पहले ऐसा हाँ होता था तो मतलब अभी तो सब टॉल फ्री नंबर भी बहुत अरे एक्टिवेट लोग रहते हैं। भेजते थे, लोग भेजते थे मेरे सामने, हाँ लोगों ने लिख के भेजा कि हुआ आप है, इसको और वो उसको राइटर अगले एडिशन में करेक्शन करके भेजता था। करेक्शन करके भेजता था। और वो मैंने, छोटे मुझे याद है मोटे इसीलिए, राइटर की बात नहीं कर रहा हूँ सर, बड़े बड़े अरे राइटर्स की बात कर रहा हूँ। नूतन पब्लिकेशन के एक राइटर थे, फिजिक्स की बुक थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है अभी, ठीक है, उसके लिए मेरे मेरे टीचर बहुत अच्छे टीचर थे, उन्होंने लिखा था, यू कॉन्ट बिलीव, उन्होंने दिखाया भी कि उन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ थैंक यू का, एक लेटर भेजा था उन्होंने वापस, राइटर ने वापस थैंक यू का लेटर भेजा था उसी सेम एड्रेस पे, और उसने करेक्शन किया नेक्स्ट एडिशन में, और उन्होंने दिखाया कि ये देखो ये पुराने वाले में ये प्रॉब्लम थी, ये नए वाले में प्रॉब्लम, और ये मैंने किया था, ये उन्होंने लेटर रखा था, ठीक है। तो अब इससे ये मुझे मतलब ये हर किसी के अंदर होना चाहिए, वो तो बहुत ग्रेट राइटर थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मतलब 12th क्लास में पढ़े, कितना साल हो गया, तो ठीक है, लेकिन ये जरूर याद आया कि यार वो, उनको ये था कि मैं परफेक्ट नहीं हो सकता हूँ, तो मैं क्या क्या हूँ कि जो भी बनने वाला है उसमें टाइम तो लगेगा, क्योंकि हम लोग का रोज का काम तो है नहीं वो, लेकिन हमने सोचा है कि जो जो बनता जाएगा बीच बीच में हम सबको देते जाएंगे, ठीक है, लोग पढ़ते जी जाएंगे सच बात उसको, है। करेक्शन आता जाएगा, फिर बाद में जब कंबाइन करेंगे तो हाँ डेफिनेटली उसका एक अच्छा रिजल्ट होप सो कि अच्छा मिल जाए अच्छा मुझे, रिजल्ट आएगा सच में। ठीक है। और और मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया इसका रिव्यू यही होता है कि आप लोगों को रिकमेंड करें कि किताबें पढ़ें और हाँ उनमें जो जो भी सलाह है वो अपनी हाँ सलाह नोट करके दें, और अगर उसको अडॉप्ट करने के लायक है तो अडॉप्ट करके उस किताब को और बढ़िया बनाए सके, सबसे और एडॉप्ट करने के लायक बेस्ट है। हाँ हमेशा होता है, क्योंकि हाँ हाँ अगर कोई एफोर्ड करके आपको मैसेज कर रहा है, हाँ ठीक है, हाँ कुछ हाँ समझ के कर रहा है, कुछ समझ के कर रहा है, सच बात है, कुछ ठीक है, अगर समझ के कर रहा है। उस लड़के ने मेरे एक वीडियो में बोला कि सर आपने एक ही स्पेलिंग गलत लिख दिया है, तो उसको पता है कि यार सर की यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, मतलब उनकी इंसल्ट मान लो कि वो, उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए मेरे नजर में, अब ये नहीं कि हाँ गलत हो गया तो क्या, या फिर ऐसे कॉन्फिडेंस से वो मतलब उसको मैं डांटने लगूँ ये बहुत गलती बात हो जाएगी, ठीक नहीं है, नहीं ठीक है, सर जैसे कि हम लोग बचपन में जो कॉलेज में जाते थे, न्यूमेरिकल गलत करके आ गए टीचर ऐसे डांट देता दोबारा जाने का मन ही नहीं करता, ऐसा कई बार होता था, है ना, तो वो नहीं करना चाहिए। सर स्कूल में जब जितना टाइम भी रहा हूँ स्कूल में मेरे मतलब बहुत अच्छे टीचर्स से मैं मिला जो हर एक चीज के लिए ना इतना बढ़िया बढ़िया बातें बताते थे कि देखिए सर मेन बात ये है ना कि स्किल्स आपकी तब तक काम आए वो। हाँ सर मैं बताना चाहता हूँ कि अभी मुझे याद आया मोहम्मद अली जो हमारे फाइटर थे हाँ वो क्या बोलते थे, एक बात बोलते थे कि जो हर एक इंसान को समझनी चाहिए कि जब मैं रिंग में लड़ता था ना तो मेरा दो चीजें होती थी, पहला स्किल्स दूसरा विल। मेरी स्किल्स ये थी कि मैं उस पे अटैक करूंगा या डिफेंस करूंगा लेकिन जब मैं गिर जाऊंगा तो मेरा विल मेरे काम आएगा, क्योंकि स्किल्स ने तो ऑलरेडी नीचे गिरा दिया है ना, अभी जो विल होगा वो बोलेगा कि उठ
दोबारा लड़ा है अविल नहीं है तो ना। स्किल भी एक टाइम के बाद शुरू हो जाएगा। हाँ वो सो जाता है। तो हाँ मेरे ख्याल से जो मेरे इंटरमीडिएट तक के जो टीचर रहे हैं है ना, उन्होंने बहुत हेल्प किया है मेरे विल पावर को डेवलप करने में। लेकिन जब भी मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन में आया तो ऐसा मैं किसी का इंसल्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अभी जो सिस्टम का जो एक फेर है ना कि वो आपको पढ़ाएंगे सारी किताबों का रट्टू पोपड़ बनाएंगे ठीक है, और सारे सब्जेक्ट्स को बहुत डीप नॉलेज में पढ़ाएंगे, बट उसका कभी कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं बताता। नहीं बताते हैं। और जब तक वो आपको ना यूज नहीं पता है तब तक आपको तो सीखना पड़ेगा ना, अगर आपको जॉब करनी है, मार्केट में सर्वाइव करना है, और दूसरा ये कि आपको अपने लाइफ में ग्रो करना है। और ऐसा थोड़े रहना है कि नहीं हमें 20,000 की नौकरी मिल गई है 25,000 की तो हम करते ही रहेंगे। नहीं भैया, आपको 20,000 से जाकर के आपको 20 लाख बीस तक लाख पहुंचना जाना है। है। हाँ तो सीखना पड़ेगा ना। अच्छे खासे लोगों को देखता हूँ कि जो जो क्या करते हैं कि एक टाइम में बहुत कुछ अचीव करने के बाद में वो फिर से किताबें लाते हैं, फिर से पढ़ते हैं पढ़ते उस चीज को। तो अगर आपको सीखना, और सबसे जो बेस्ट है मेरे हिसाब से बिम क्यों बेस्ट है, क्योंकि ये ना आपको टेक्नोलॉजी से जोड़ता है, और जो भी चीजें आपको टेक्नोलॉजी से जोड़ती हैं, जैसे सर मुझसे जो इंटरव्यू में सवाल जो पहले पूछा जाता है, उस सबसे पहला क्वेश्चन जब शुरू शुरू में मैं सब बिम में आया था तो यकीन नहीं मानेंगे कि 10-20 इंटरव्यू में मुझसे यही पूछा गया कि व्हाई यू वांट टू स्विच योर करियर इन बिम, है और ना। कम से कम 10 बार तो मैंने अब पूछा होगा मॉक इंटरव्यू में। आपने 20 बार हो गया। पूछा होगा तो मुझे इतने लोगों ने पूछा ना इस चीज के लिए कि मैं सच में सोचने लगा कि यार मतलब मेरा जो करियर है वो सच में किसी चीज के टूवर्ड्स बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं जॉब ही ले रहा हूँ, वो जॉब नहीं है, वो जॉब के अलावा मेरा करियर है। एक तो सर बहुत जॉब बढ़िया। हो गई और दूसरा होगा करियर ठीक है। तो जो मेरा करियर है वो मेरे जॉब से बहुत बड़ा बहुत है ना। बढ़िया। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी जिंदगी जॉब ही करने वाला हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि हो सकता है कि मैं पूरी जिंदगी जॉब ही करूँ, है ना। लेकिन मेरा जो माइंडसेट होगा वो मुझे हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ाएगा। और मैं एक चीज को कंफर्म बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ इन लोगों को यही बोलता था कि सर मैं अपने आप को टेक्निकली और एडवांस बनाना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि बिम से बेहतर कोई नहीं है। और जो सबसे बेस्ट है कि अगर आप किसी भी चीज में आगे बढ़ना चाहते हो तो उसकी जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करो, आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाओ। सही आप बात उस न्यू टेक्नोलॉजी में कुछ वैल्यू ऐड करो, आप जो भी हमारी इंडस्ट्री है उसमें कुछ ना कुछ लोगों के लिए फायदेमंद चीजें करो। जैसे अगर आप किसी प्रोजेक्ट को कर रहे हो ठीक है, तो ऐसे नहीं कि आप बस वो प्रोजेक्ट लिए और खत्म कर दे रहे हो, ऐसा नहीं। आपको भी उस प्रोजेक्ट से सीखना है, छोटी छोटी मोटी चीजों से लेकर के ही सीखना है। और अगर आप सीख रहे हो तो आप धीरे 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 करके ग्रो कर जाओगे। तो बिम में जो सबसे जो मेरे लिए बड़ा रीजन है स्विच करने का वो यही दिखता है कि वो कंस्ट्रक्शन का फ्यूचर है। कंस्ट्रक्शन का फ्यूचर सिर्फ साइट पे नहीं है सर, साइट नहीं। भी एक छोटा सा पार्ट है जो इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के पहले है प्लानिंग, डिजाइनिंग, एस्टिमेशन, मॉडलिंग, बहुत कुछ है करेक्ट, सर, बहुत है कुछ है। ना। और उसके अलावा बात करें तो अभी जो मैं इस टाइम पे जो मैं कोशिश कर रहा हूँ सीखने की वो है 45D, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी 45D का बहुत फ्यूचर है अभी तो, बहुत है ना। फ्यूचर। तो 45D, 6D ये सब सारी चीजें अभी तो लाइन से सीखेंगे। तो अभी आप 45D की तरफ देखेंगे, मैं तो कहूंगा कि जो नए भी जो आपके स्टूडेंट है ना उनको भी 45D का बहुत अच्छा नॉलेज रखना चाहिए, रखना और चाहिए। आने वाले टाइम में मतलब आने वाले टाइम में तो वो तो बहुत ही बूम करने वाला है। क्योंकि 45D उतना ही नहीं है जितना हम बस तो थ्योरी में पढ़ लेते हैं, नहीं वो नहीं बहुत बड़ा चीज बहुत बड़ा है ना। है। वो बहुत बड़ी चीज है कि जैसे अभी नए बच्चे जो उसको पढ़ लेते हैं ना, तो जैसे मुझसे कोई इंटरव्यू पूछता था व्हाट इज बिम, है ना, तो मैं क्या बोलता था सर कि मैं मतलब वही जो रटी हुई चीजें थी वही बोलता था। लेकिन अभी स्टार्टिंग में तो आदमी वही बोलेगा वही ठीक है, बोलेगा। क्योंकि आप बेसिक में, तो फिर वो आपको इंटरव्यू देख के भी जान जाता है कि ये लड़का बेसिक है मतलब बोल रहा है और बहुत एफर्ट मार रहा है, तो इसको हाँ, जो है चांस और आगे चांद देना चाहिए, देना फिर आगे चाहिए। वो इंटरव्यू बढ़ाता है वो ठीक है। लेकिन अभी समझ आता है कि नहीं, बिम एक छोटी सी चीज नहीं है, वो सिर्फ आपका ऐसा नहीं है सिर्फ आप ही का एक जॉब का पार्ट है, वो लाखों लोगों में ना बहुत छोटी 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 चीजों में बटा हुआ है, और बारीकी सब से लोग, हाँ सब लोग अपने 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 रोल को प्ले कर रहे हैं। जैसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आता है ना, तो उस प्रोजेक्ट में कोई 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 थोड़ा आर्किटेक्चर का डिजाइन करता है, कोई स्ट्रक्चर का LOD 100-200 का मॉडल बनाता है ठीक हाँ है, फिर उसके बाद MEP का काम आ जाता है थोड़ा, फिर उसके बाद वो बिम कंसल्टेंट के पास आता है, फिर वो बिम वाले उसमें सारा अपना जितना काम है सब बिम का करते हैं, क्लास डिटेक्शन करते हैं, उसके बाद में फिर उसका पूरा प्रॉपर मॉडल तैयार होता है,
45D के पास में हाँ जाता है, फिर उसके बाद में वो मैनेजमेंट में जाता है, प्लानिंग वालों के पास जाता है। वो सारा एक सिस्टम है जो एक आदमी नहीं कर सकता है। और जब भी मैं नया नया था तो मुझे लगता था कि नहीं, बिम का यही है कि बस वो 3D मॉडल बनाओ। ठीक है, अभी भी बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो इस चीज को इसलिए समझ के छोड़ देते हैं कि वो 3D मॉडल बनाना है मुझे। 3D मॉडल स्टार्ट बेसिक है, वो आपको सीखना है, उसके बिना आप कुछ है। नहीं हो। हाँ, वो स्टार्ट है, लेकिन जब आप उससे आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिटेलिंग्स है जो अभी आपको समझने में टाइम लगेगा। धीरे धीरे टाइम लग गया। वो आप जॉब में रह करके ही सीख सकते हो। और हाँ जॉब में आने का सबसे जो बेस्ट उपाय है वो यही है कि चीजों को सीखो और जो भी है उसको प्रैक्टिस करो, अच्छा सा डॉक्यूमेंट बनाओ और आपको लोग चांस देते हैं। सर, मेरा तो सिंपल सा, मैं यही जानता हूँ कि अगर आपका एक कंपनी में नहीं हो रहा है, 10 कंपनी में नहीं हो रहा है, तो 11वीं में होगा आपका, होगा। नहीं होगा तो 21वीं में होगा अच्छा आपका, देखो है ना। विकास, और अच्छा, इसमें एक इंटरप्ट करूंगा, सॉरी। तुमने देखो पूछा कि तुम्हें 10 कंपनियों में लगभग कॉमन क्वेश्चन मिला ना, आप स्विच क्यों करना चाहते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन मिला होगा, व्हाट इज बीम, ठीक है। इस तरीके से मैं क्या बोलता हूँ लोगों को, एक मॉक इंटरव्यू में आंसर नहीं बता पाते हो कोई बात नहीं, लेकिन सेम क्वेश्चन जब दोबारा पूछा जाए नहीं बता पा रहे हो, गलत गद्दारी कर रहे हो, सच में ये ठीक है। और तो आपको सीखना पड़ेगा ना। सीखना पड़ेगा। और एक चीज बहुत अच्छे से तुमने बताया कि भीम मतलब केवल 3D मॉडलिंग नहीं होती है। तो आजकल मैं भीम में एक नया टॉपिक ऐड किया हूँ कि भीम है क्या। तो उसमें एक्चुअली ऐसा था कि जैसे कि मैं लोगों को बताता हूँ कि जैसे कि आप कभी हाथी नहीं देखे हो, तो जस्ट ये एज्यूम करो कि आपने कभी हाथी देखा नहीं और आपके ऊपर आंख में पट्टी बांध दिया जाए। नाउ यू वॉन्ट टू सी कि आपको जाना है और हाथी को छूना है और छू के बताना है कि हाथी होता कैसे है। अब कोई पैर पकड़ेगा तो बोलेगा कॉलम की तरह होता है, कोई उसका पेट पकड़ेगा तो बोलेगा कि ये वॉल की तरह होता है, कोई इसकी सूंड पकड़ेगा तो बोलेगा ये स्नैक की तरह होता है, कोई उसकी पूंछ को पकड़ेगा तो बोलेगा रस्सी की तरह होता है, कोई दांत को पकड़ जो उसके दांत को पकड़ेगा बोले गदा की तरह होता है, बट एक्चुअली में हबीम क्या है, वो पूरी हाथी है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट सर, आजकल मैंने बहुत ऐड बड़े बड़े लोगों का किया। रिसर्च है सर, ये बहुत बड़े बड़े हाँ लोगों का रिसर्च है, क्योंकि सच मैं देखता हूँ उसमें एक एक से एक्सपर्ट्स लोग होते हैं जो अभी भी फंस जाते हैं और उस चीज पे उनको रिप्लाई नहीं कर पाते हो। नहीं वो कर बोलते पाते, हैं कि हमको इस पे थोड़ा और रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर हम आपको बता पाएंगे इसमें। सही बात है। तो सारे जितने भी स्टूडेंट हैं सबको, या फिर जो भी नए भाई हैं जो आ रहे हैं, हाँ सबके लिए ये है कि आप इसको बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म मत समझो, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जैसे IT है ना, ऐसे हाँ ये बिम है। भीम और है। सर, एक चीज और अभी ऐड करना चाहता हूँ कि जो लोग भी नए नए हैं ना, वो एक काम और कर सकते हैं कि जैसे ऐसा नहीं है कि अपना करियर सिर्फ, अगर आपका करियर मॉडलिंग में नहीं है, इंटरेस्टेड है, तो आप सिर्फ मॉडलिंग मतलब वो नहीं कर सकते। नहीं नहीं लेकिन नहीं मॉडलिंग बेसिक है, बेसिक है, आपको रैबिट, ऑटोकैड, नेविस वगैरह तो हाँ सीखना ही हाँ सीखना है। ठीक है, आप उसको सीख करके आप डेटा साइंस में जा सकते हो, आप डायनेमो सीख सकते हो, रैबिट स्केट भी API कर सीख सकते सकते हो। हो, और ये प्योर IT का काम है। हाँ अगर आपको IT पसंद है तो आप प्योर IT में चले जाओ। आपको IT आराम से, मतलब अभी लेकिन डेटा साइंस आईटी का में इतना, BIM की तरफ से जाओ, API में कितना हाँ, अच्छा ग्रोथ BIM की है, तरफ से सर, IT वाला अगर उसमें जाएगा ना तो उसको ग्रो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर BIM वाला उस फील्ड में जाएगा और IT वालों के साथ काम करेगा, तो उसको जो बंदा अभी मतलब जैसे जो आपके साथ का जो बंदा है वो कंस्ट्रक्शन में अभी आया है, वो 6 लाख के पैकेज पे है, तो आप जाओगे 8 लाख के पैकेज पे जाओगे। हाँ वो सीधा सा सिंपल सा फंड है उससे, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत कुछ ग्रोइंग है। अभी जितने भी डेटा है, अभी डेटा इंजीनियर, अभी अपने BIM में भी बहुत सारे लोग जो डेटा इंजीनियर है, वो क्या हाँ करते हैं कि जितना भी हमारा क्लाउड का डेटा है वो सबको मैनेज करते हैं। मैनेज करते हैं और अभी इसमें मतलब डॉक्यूमेंटेशन का भी अपना काम है बहुत कि ज्यादा है। जिसको BIM 360 मॉडलिंग नहीं में पसंद है, BIM डॉक्स का लेख हाँ उस पे काम कर सकते हाँ हैं, हाँ उसमें इसमें काम कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन के लिए सर अलग इंजीनियर होते हैं, वो बहुत प्रॉपर सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन को ही मैनेज डॉक्यूमेंटेशन करते करते हैं, हैं। हाँ और वो अच्छे खासे मैनेजर रैंक तक के जाकर के मतलब उनसे चीजों को मैनेज करते हैं। हाँ मैंने तो देखा है सर कि मतलब ये बहुत बड़ी बहुत इंडस्ट्री है, छोटा इंडस्ट्री है पूरी। नहीं है, छोटा नहीं और है। अगर आप इसको छोटा समझ रहे हो तो वो आपकी कमी है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो, है हाँ डेप्थ में नहीं ना। जा रहे हो। हाँ, आप डेप्थ नहीं जा रहे हो, बस आप ऊपर हाँ ऊपर से, जैसे वो समुंदर है ना, तो हाँ समुंदर के अगर मतलब गहराई को देखना है कि नीचे क्या क्या खूबसूरती है, हाँ तो आप क्या भी ऊपर ऊपर से 1 आध मीटर तक रहोगे ना, तो समझ में नहीं आएगा, खाली खाली है, पानी हाँ है ना। लेकिन जब आप डीप में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरी दुनिया है इसके अंदर। दुनिया है इसके अंदर। ऐसे ऐसे ही सब बिम है कि आज के टाइम में मतलब अगर आपको सोच रहे हो कि चलो आप कंस्ट्रक्शन में, आपका मतलब इंटरेस्ट है तो आप कंस्ट्रक्शन में हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको उससे हटना है, आपको लाइफ अच्छी करनी है, आपको जब चाह रहे हो कि भैया मैं भी ऐसे रहूं जैसे IT वाले रहते हैं, कि जा करके किसी फॉरेन टूर में काम करूं,
यार रिमोट सैटरडे लोकेशन संडे को पे ऑफ लो। हाँ सैटरडे संडे का, अरे सर बहुत सुकून वाला होता है सही बात है। मतलब क्या कहते हैं, अगर आप सोच रहे हो कि मैं गोवा में जाके काम करूं और तो कुछ नहीं करना, लैपटॉप लेके जाओ अपना बैठ के काम करो 10 दिन 15 दिन 20 दिन, आराम से। मतलब अच्छी अच्छी कंपनीज है ना, जैसे अभी डॉट एफिशिएंटली है एक है, हाँ वो क्या करती है सिर्फ वर्क फ्रॉम होम ही देती है हाँ और वो अच्छे खासे फ्रेशर बंदों को भी अरे रखती है, ऐसा बहुत नहीं है कि कंपनियां हैं ऐसी जो वर्क हाँ फ्रॉम हाँ होम बहुत वाली। है अभी एक DJBH करके कंपनी थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो वो सिंगापुरी कंपनी थी ठीक है, उन्होंने उन्होंने बोला कि आप मतलब हम आपको सिस्टम देंगे और सारी सब कुछ देंगे और आप एक काम करो वर्क फ्रॉम होम आपको करना है। मैंने कहा इससे बढ़िया क्या है फिर मतलब अभी जरा अपने को थोड़ा अलग ही फाइट मारना था, तो हमने लगा कि आओ चलो फिर ठीक है। बात ये आ जाती हाँ है पैकेज पे सबसे लास्ट में हाँ हाँ सबसे लास्ट मेन। में फिर ये था कि चलो अभी थोड़ा और यहाँ दूसरी और चीज अच्छा पता है क्या चलने होता है बढ़े। कि अभी वर्क हाँ फ्रॉम होम करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तुम इस हाँ इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा पुराने नहीं हो, है ना। जी तो अभी लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मानना है कि अभी तुम्हें कंपनी में ढेर सारा थोड़ा सा करना, और दूसरी चीज जो सैटरडे संडे तुम बोल रहे हो, सैटरडे संडे से क्या होता है अपने आप को रिफ्रेश कर पाना, कुछ नया बहुत सीख कुछ होता है। पाना, हाँ ठीक है, स्ट्रेस से दूर। साइट इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा, मतलब साइट इंजीनियरिंग की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो भी एक डोमेन है हमारा, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, लोगों को सोचने का ही समय नहीं मिल रहा यही तो फैक्ट है कि है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोग सोच नहीं पा रहे हैं, उन्हें लग रहा है ना कि मैं यार कुछ और चीजें सीख नहीं पा रहा हूँ, जैसे हाँ कुछ और चीजें मैं अगर सीखूंगा तो मेरा टाइम चला जाएगा, मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और हाँ लोगों को एक सबसे बड़ी डर है ना सर, मतलब मैं बता रहा हूँ कि आपको जब आप बिम में स्विच कर लोगे ना, तो बिम में ये है कि बहुत एक जगह नहीं है, 10 जगह नौकरी, 50 जगह नौकरी, 100 जगह है ना, तो आपको एक कंपनी का हेडेक नहीं रहता, अरे काम आता है मुझे, इधर नहीं करेंगे तो मैं कहीं और कर लूंगा, है हाँ ना। लेकिन वहां पे साइट इंजीनियरिंग में क्या है कि लेस अपॉर्चुनिटीज हैं और आपको उतना ही रिसोर्सेज दिया जाता है जितना आपके लिए जरूरी है। जैसे जरूर अगर आप 50 हजार की सैलरी वहां पा रहे हो तो आपको 50 से 60 नहीं करेंगे, वो जानते हैं कि वो कहीं भी जाएगा तो इसको 50 ही मिलने वाला है। ये 50 बहुत ज्यादा बोल रहे हो, तो सबसे बड़ी बात तो ये हाँ हाँ 50 बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ सर, मतलब है। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप अच्छे खासे एमएनसीज में होते तो हाँ मैं बता रहा हूँ है ना, तो आपको 50 मिलेगा है ना। अगर आप छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में हो ना तो 10 12 भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत वो भी मुश्किल टाइम से। से नहीं मिलती, वो अरे टाइम से नहीं मिलता रिसेंटली एक लड़के को 3,000 सैलरी आई है, बोला अगले महीने और दूंगा। मैं कहा यार ये कौन सी है। बात, मतलब 12,000 रुपये एक सैलरी उसकी 12,000 ही है, ठीक है, उसको 3,000 आया है, बाकी सैलरी अगले महीने, वो अगले महीने में भी रुलाएगा, फिर वो बोलेगा अगले महीने। अब इसके चक्कर में ये रुका रहेगा साल भर कि मेरा पूरा हाँ पैसा तो बचा हाँ हुआ है। हाँ सर मेरे अभी जितने भी दोस्त हैं जो अभी मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पे मेरे साथ थे, उन लोगों को भी बिम का नाम भी उन्होंने नहीं नाम सुना, नहीं पता है। जबकि मैं उन्हें चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ कि भैया मैं बिम इंडस्ट्री में काम करता हूँ ठीक है, लेकिन फिर भी वो हर बार यही पूछते हैं ये है क्या है, हाँ क्योंकि आपको रिसर्च करना नहीं है, आप कभी रिसर्च देखोगे नहीं, करना कभी उठा करके रील से आगे बढ़ोगे नहीं, हाँ, तो फिर रील आपको से नहीं आगे नहीं मिलेगा। बढ़ोगे। हाँ ये रील्स और में अगर जब तक ये सब देख लो नॉलेज अगर रील्स में बताया जाए तो भी किसी काम का नहीं, क्योंकि उस समय आदमी का ब्रेन ही किससे सब काम देखने के करेंगे चक्कर में रहता नहीं ना, वो फिर कुछ और है। देखता ठीक है, है अगर वहां पर सर। कैटरीना कैफ आ गई और मेरा एक वीडियो आ गया, कौन देखेगा, ठीक वो ब्लड का डायरेक्शन सर है। चेंज रहता है ना, हाँ तो उस समय आदमी देखेगा तो नहीं, तो मैं इसीलिए ना रील्स भी नहीं बनाता। मैं कहता हूँ यार रील्स देखने वाली ऑडियंस हो ही नहीं सकती हमारे पास। वो भूल जाएगी कि ऐसा कुछ देखा था नहीं हमने। वो सच में वो कुछ नहीं याद भी नहीं रखने वाले, वो बस ऐसे स्क्रॉल ही करते जाएंगे, जिसको आज का पढ़ना पॉडकास्ट में है मजा आ जिसको गया। जानना है जिसको पढ़ना है जानना है, वो सर वीडियोस पे जाएगा प्रॉपर, हाँ 1 घंटे की वीडियोस देखेगा, क्योंकि उसको लाइफ लॉन्ग करियर बनाना है अपना, बनाना है, तो करियर 30 सेकंड में तो बनेगा नहीं सर, बनेगा नहीं। वो तो फिर आपको देखना पड़ेगा ना, जैसे अभी अभी कोर्सेज के जो वीडियोज है जो सर आप देते हो डेढ़ बहुत हैटिक होता डेढ़ है, लेकिन जीवन बनाना है तो घंटे वो का खाना पड़ेगा दवाई। सर सर जब कोर्स किया था तो पढ़ाई था ठीक है, जब इंटरव्यू देते हैं ना तो उसको भगा भगा के देखते रहते हैं, ये वाला कवर हुआ था टॉपिक जरा इसको देख लेते हैं, ये वाला कवर हुआ था ये देख देख लेते लेते हैं। हैं, अभी भी सर देखते ही रहते हैं वो वीडियो, हाँ क्यों, क्योंकि वो काम की है ना, वो इतना हाँ नॉलेज है उसमें, हाँ इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि कोई भी एक नॉर्मल इंसान मतलब उस पर एक बार में सारा अडॉप्ट ही नहीं कर सकता, नहीं कर मतलब सकता, मेरे जैसा एवरेज तो नहीं कर सकता कोई अडॉप्ट नहीं कर एक बार में, सकता। तो यू नीड टू रिवाइज। हाँ आपको उसको एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार चार बार 10 बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी फिर आपको पूरा कंटेंट आपको समझ में आएगा। सही जैसे वो बात जो है। PDF का कंटेंट है जो मैंने बताया ना कि हाँ
अभी जैसे उसमें एक वो एक है अडॉप्टिव कंपोनेंट है ना, हाँ अभी रैबिट की बात करें, अडॉप्टिव कंपोनेंट ठीक। मुझे अच्छा खासा टाइम हो गया था जॉब करते हुए, तभी मैं नहीं समझ पाता था बता वो अडॉप्टिव कंपोनेंट क्या है ना। फिर मैंने काम किया कि मैं एक काम करता हूँ, मैं आप ही का पीडीएफ उठा के, पढ़ने का सर शौक था कि हाँ मतलब पढ़ेंगे है ना, तो मैंने क्या किया कि एक एक चीज पीडीएफ में, एक एक लाइन जो जो आपकी हाँ लिखी थी ना, वो सारी लाइन उठा करके डीप में पढ़ा। फिर ही मुझे समझ में आया कि मैं इंटरव्यू में बोल क्यों नहीं पाता था, क्योंकि मेरे पास कंटेंट कंटेंट की कमी थी, की नॉलेज की कमी कमी थी। थी। हाँ तो नहीं बोल पाता था इसलिए। हाँ लेकिन आप धीरे धीरे टाइम बाय टाइम चीजें सीख जाते हैं सर, बनता एक है, बार में तो होता नहीं है। बस सीखने की ललक होनी चाहिए, सबसे बड़ी समस्या हाँ वाली है। सीखने की ललक, ललक होनी चाहिए। और सर सीखने की ललक की बात करो ना, तो कलाम आपका बहुत बेस्ट स्टूडेंट है सीखने के हाँ मामले में, क्योंकि हाँ सर उसकी छोटी सी उम्र है और वो बहुत कुछ सीखता है क्या ग्रोथ लिया वो। उसने। वो मतलब सोचो आप कि सर मैं बता रहा हूँ कि अभी देखो ना, अभी मतलब हम सब लोग एक साथ में रहते थे, मैं ओमकार और कलाम और कलाम वो शुभम एक, हाँ एक, हाँ शुभम लड़का शुभम, तो वो जो है हम लोग सब साथ रहते थे और सबकी बहुत अच्छी अच्छी जगह पे जॉब लग गई। अभी मतलब उसमें ओमकार जो है मुंबई में काम कर रहा है, मुझे पता नहीं उसकी कंपनी का नाम, पर बहुत बड़ी कंपनी है उसकी भी। कलाम आपको पता है कि पिनेकल पे कर रहा है, उसमें पिनेकल पे कर रहा है, बहुत पिनाकल अच्छे में कर, है बहुत ठीक है। अच्छे। हाँ और शुभम का अभी WST में हो गया है ना, तो ये सब सब बेस्ट कंपनीज हैं। अगर हाँ हो रही है हाँ तो, अगर हो रही है तो इसका कुछ तो मतलब है है, कि भाई कुछ तो है ना ठीक जिसकी है। वजह से हो रही है। वरना अभी भी मैं लोगों को देख रहा हूँ ना, जो छोटी छोटी कंपनीज में जहाँ पे 20-50 इंप्लॉय हैं, मतलब 10-20-25 इंप्लॉय हैं, हाँ वहां पे अभी भी स्ट्रगल में परेशान है कि अब कैसे लग जाए, कैसे लग जाए। नहीं लगेगी भाई और वो। उसी में पॉलिटिक्स भी, हाँ उसी में सब कुछ इन्वॉल्व। सब कुछ है, सब कुछ बहुत गंदा है सर ये सब कुछ। नहीं लेकिन अगर आपको पढ़ना है ना, तो सीधा सा उससे एक ही उपाय है, उठाओ भैया वीडियो पढ़ो और उसको कंटेंट को ऑब्जर्व करो अपने माइंड में और जाओ इंटरव्यू में बोलो। जितना बोल पढ़े रहेंगे ना, उसका 20% इंटरव्यू में बोल पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं पाएंगे। बोल पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात बोला तुमने कि जितना हम सोचते हैं कि इतना पर्याप्त हो गया, उतना पर्याप्त नहीं होता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। मैं एक बार, मुझे मेरे को कैसे होता है कि मुझे फिजिक्स पढ़ाना था, ठीक है, 12th क्लास के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाना था। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, तो मैंने, मुझे बोला उन्होंने कि आपको 1 घंटा पढ़ाना है, 100 रुपये घंटे के हिसाब से उससे मुझे मिलते थे। तो फर्स्ट टाइम मुझे पढ़ाना था, तो मैंने लगभग 2 पेज पढ़ लिया। अब इंजीनियरिंग वाले लड़कों को पता होता है कि इतना हम पढ़ लेंगे, ठीक है। मुझे लगा कि इतना तो सफिशियंट है हमारे 1 घंटे के कंटेंट के लिए। बहुत बड़ी बेइज्जती करवाई अपनी मैंने अंदर ही अंदर, ठीक है। वो कंटेंट केवल 10 मिनट में खत्म हो गया, ठीक है। फिर मेरे पास कंटेंट ही नहीं, ठीक है। अब मैं भी बच्चा ही था, क्योंकि मेरे सेकेंड ईयर था इंजीनियरिंग का। तो फिर मैंने कहा यार अब तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। फिर मैंने उन्हीं बच्चों से उनका इंट्रोडक्शन लेने लगा, कि कहा मैं, कहा बेइज्जती तो हो ही चुकी है, ठीक है। फिर उनका इंट्रोडक्शन में हम अपना टाइम बिताया, हमने 1 घंटा, ठीक है, क्योंकि मुझे 100 रुपये भी पे ध्यान था, सच बताऊं तो, ठीक है, कि और उससे भी ज्यादा बेइज्जती पे ध्यान था, मैं बोलता रहा हूँ ठीक सर कि है। आप ना, आपने जो अपनी चीजों से सीखा है हाँ ना, जो भी बाई द टाइम आपने सीखा है ना, उसका एक चीजें है ना जो आपने दिखता है, वो ये है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, समाज में वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं ना, उनका फेस भी समय के हिसाब से ना वो दिखाता है कि हाँ यार ये सच में बोल रहा हूँ सर। ये आप किसी भी, आप ऐसे देख लीजिए, आप अभी आप सदगुरु को देखिए ठीक है, तो सदगुरु जब भी स्टार्टिंग में थे ना, तो आप उनका फेस देखेंगे तो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता था, लेकिन हाँ। अभी उनका ऑरा ऐसा है और बहुत अच्छा है, कि उनको देख करके अट्रैक्टिव फील होता है कि एक शांति फील क्या होती है। बोलेंगे। हाँ क्या बोलेंगे, सुन ले जरा 10 मिनट हाँ है ना। आप किसी भी ऐसे बड़े आदमी को उठा के देखेंगे ना, तो धीरे 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 धीरे, जैसे अभी विराट कोहली को उठा के देख लीजिए ना, अभी हम एग्जाम्पल दे रहे थे, तो विराट कोहली आज से कुछ साल पहले इतना अच्छा नहीं लगता था जितना अच्छा अब प्योरिटी लगता है। वो धीरे 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 वो होता है इंसान के प्योरिटी अंदर आता है। प्योरिटी हाँ प्योरिटी आने लगती है अगर, प्योरिटी आने लगती और है। उससे भी ज्यादा ब्लेसिंग्स, हाँ ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत सारी इंपॉर्टेंट, ब्लेसिंग्स आते रहती हैं, ब्लेसिंग्स बहुत काम देती क्योंकि है। आप ऐसा काम कर रहे हो ना, आप वैल्यू ऐड कर रहे हो लोगों में, सही तो वो बात है, आपको दिखेगा। सही बात है। अभी बाकी सर मतलब मैं मतलब क्वेश्चन पे मैं आना चाहता हूँ कि हाँ मैं बताना चाहता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ठीक बिल्कुल है, बताओ। क्योंकि लोग इसका भी बहुत मतलब करते हैं कि हाँ भाई क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते नहीं, हैं। पॉडकास्ट भी वॉच करें तो उनको भी बेनिफिट होना चाहिए ना, हाँ कि यार इतना देर किसी हाँ ने वॉच किया है, अब वही वॉच कर रहा है जो हाँ एक्चुअली सिंसियर है, ठीक
ठीक है। अब वो लोग हाँ कमेंट करना भाई कि जो यहां तक पहुंच गए हो, क्योंकि यहां तक वाला, हाँ यहां तक पता है क्या है, क्योंकि सक्सेस रेशियो कितना है, 1%, तो 99% तो चले गए हैं। ठीक है, ये जो 1% है ना, इनको रिजल्ट मिलना चाहिए। वो लोग कमेंट करके जरूर बताना भाई कि तुम लोग यहाँ पर थे और तुमने क्वेश्चन सुने, ठीक है। क्योंकि अगर वो सुने हैं, बिलीव करो विकास, वो पक्का सक्सेसफुल होने वाले हैं जो यहाँ तक है, पक्का पक्का सर पक्का। उनका हाँ कोई वो नहीं है। अब वो बताओ क्वेश्चन। इंटरेस्टेड है सर, क्योंकि हम भी ऐसे पूरा ही देखते थे इंटरव्यू आपका, जो आप इंटरव्यू लेते थे पूरा एक एक बैठ के देखते थे इंटरव्यू, हाँ सब कुछ छोड़ करके, तो उस आदमी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, है ना सर। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो इंटरव्यू का पैटर्न होता है, जो लिए जो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं नहीं है नहीं इसमें, सही ठीक बात है, जो है। है वो तो हम बता सकते हैं। तो मुझे जो एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं और बहुत सारे इंटरव्यूअर का माइंड मैंने भी रीड किया है, तो रीड मुझे किया समझ में आ गया है कि एक्चुअल में इंटरव्यू आपसे वो इंटरव्यूअर वो आपसे नहीं पूछता है जो आपसे पूछने के लिए आया था, वो आपको देख करके आपसे पूछने लगता है सवाल। जैसे आपने एक 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 टॉपिक आपने खोला ना, तो उस टॉपिक में वो अंदर 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 वो जाते रहता है, ठीक है। उसको भी इंटरेस्ट आता रहता है, चलो आगे पूछते हैं आगे पूछते हैं, क्योंकि वो भी एक एक्सपर्ट है ना उस चीज का, एक्सपर्ट है। हाँ इंडस्ट्री का। तो जो सबसे पहले जो बेसिक जो क्वेश्चंस बताऊंगा वो ये है कि जो पहले पहले हमसे शुरू में पूछे जाते थे कि आप ये बताओ, आप ड्रैविड के टूल्स बताओ, ये बताओ बताओ, ठीक है। बाद में फिर अलग पैटर्न्स पूछने आ रहे हैं। सबसे पहला ये है कि जैसे लोग आपसे डिजाइन ऑप्शन के बारे में पूछेंगे, ठीक है। तो मैं पहले क्या होशियार था कि मैं डिजाइन ऑप्शन रद्द करके आता था और मैं उसको बोल देता था। एक इंटरव्यूअर ने कहा कि ऐसा बेटा, अभी अपना कैम मतलब वो ऑन करो स्क्रीन और मुझे बना के दिखाओ। तो डिजाइन ऑप्शन आपको आना चाहिए कि बनाना कैसे है, उसको डिलीट कैसे करना है ना, ये काम सब कुछ करना उसमें आना आना चाहिए चाहिए। हाँ उसका। काम करना आना चाहिए, और यकीन करिए कि इससे छोटी छोटी चीजों पे भी अगर आप मेहनत कर लेते हो ना, तो इंटरव्यूअर आपको रख लेता है, क्योंकि रख लेता है, फाइनली वो काम आपको सिखाता है। सिखाता है। अभी WSP में आप देखोगे ना, आप दुनिया की किसी भी कंपनी से जाओ, आपको WSP अपने तरह से ट्रेन ट्रेनिंग करेगी, करती है, एकॉम अपने तरह से ट्रेन करेगी आपको। आप कितना बढ़िया से बढ़िया काम करके जाइए, सही तो बात है, आपको 3 महीने 2 महीने आपको ट्रेन करेंगे, उसके बाद फिर अपना प्रोजेक्ट देते हैं, ठीक सही है। बात पहला है। हो गया डिजाइन ऑप्शन, दूसरा हो गया पैरामीटर, जितने भी पैरामीटर्स हैं सबको एकदम अच्छे से पढ़िए, है ना। अच्छा तीसरा हो गया हमारा जो रैबिट के हमारे टूल्स है जो रिबन पैलेट पे होते हैं, जैसे कि अगर हम आर्किटेक्चर का इंटरव्यू दे रहे हैं तो लोग पूछते हैं कि आर्किटेक्चर में हमको क्या पूछेंगे। आर्किटेक्चर में आप सीधा सा जो भी उनके टूल्स हैं उन सारे टूल्स को पढ़ो, ठीक है। अगर वेरी गुड, आप स्ट्रक्चर में जाना चाहते हो तो आप स्ट्रक्चर के सारे टूल्स जो भी रिवर पैलेट पे आपके दिए हैं सारे सही। टूल्स को आप पढ़िए, ठीक है। उसके बाद में अगर इसमें बात करें कि वो लोग बोलते हैं कि जैसे पैरामीटर की बात कर ले तो ग्लोबल पैरामीटर क्या होता है, ग्लोबल ठीक है। पैरामीटर, तो शेयर ग्लोबल पैरामीटर, पैरामीटर को, हाँ शेयर पैरामीटर, प्रोजेक्ट पैरामीटर, वो कहते हैं हमें बना के भी दिखाओ। जब आप एक बार दो बार अगर आप बनाते हो और मेहनत करते हो, ज्यादा समय नहीं लगना है सर इसमें बनाने में, आपको थोड़ा एक ही बार प्रैक्टिस। सीखना है ना। प्रैक्टिस आपका प्रैक्टिस रहेगा ना, तो आप थोड़ा देर में बना करके, आप 5-10 मिनट बना करके उनको दिखा दोगे, ठीक है। तीसरा ये हो गया कि हमें मतलब अगर जैसे किसी चीज को प्रिपेयर करना है तो हमें उसकी थियोरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, हमें उसको हिचकिचाना नहीं है। हाँ हाँ जैसे कि वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं और वो कॉन्फिडेंस देख करके आपको बता देंगे कि आपको कितना आता है। जैसे आप आप इन हो इंटरव्यू कि आउट लेते, हो, हाँ जैसे आप इंटरव्यू लेते हो ना सर, तो आप बहुत चीटिंग करते हैं कि आप क्या करते हैं कि आप बोलते हैं कि चल मैं ऐसे इंटरव्यू लूंगा, ठीक है। यकीन मानिए मैंने इतनी बार आपने मेरा इंटरव्यू लिया, मैं इतनी बार पढ़ पढ़ के आया, आपने वो क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं है ना। आप हमेशा अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। तो अगर और क्वेश्चंस की बात करें तो मुझे लगता है कि जो आपका इसमें आपको पूछते हैं कि मैनेज टैब में क्या क्या चीजें हैं, मैनेजर में क्या व्यू क्या टैब में क्या क्या व्यू चीजें हैं, ड्राफ्टिंग व्यू क्या होती है, स्केल कैसे चेंज करते हैं, सीट कैसे और बनाते अगर हैं। आप, हाँ वो कैसे बनाते हैं, और अगर आपको मतलब जैसे अगर आपको बोल दें कि इसको कोई फैमिली बनानी है, तो फैमिली के अंदर भी 50 चीजें पूछते हैं, जैसे कि फैमिली भी मतलब एक तो इंस्टेंट हो गई हमारी, स्टैंड ठीक है, हो गई, वो दूसरी हो गई टाइप पैरामीटर की हो गई, ठीक है। तो उसमें भी वो पूछते हैं कि अगर आप एक फैमिली बना रहे हो और मुझे उस फैमिली को इंस्टेंट पैरामीटर बनाना है, तो कैसे क्या कैसे क्लिक बना। क्लिक करने पे हमें वो इंस्टेंट पैरामीटर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में सबसे जो डीप नॉलेज होना चाहिए आपको वो है बिम का, कि मुझसे सर कई बार ये पूछा गया, हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज बिम, सबको पता है ठीक कि बिम सर। क्या है, बट हर आदमी पूछता है बिम क्या है आपसे, है ना। तो बिम को पूरा एक्सप्लेन करना है,
वो एक्सप्लेन जितना नहीं करना है जो, हाँ जो थियरी में है उसको नहीं, क्योंकि वो आपसे कुछ और चीजें पूछना सुनना चाहता है, सुनना वो चाहता आपका कैपेबिलिटी देखना चाहता है कि आपने कुछ वाकई में इस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया है कि नहीं। किया है कि नहीं। और सबसे जो अच्छी बात है, जो इंटरव्यूअर को अगर इम्प्रेस करना है कि आप इंटरव्यू में गए, ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूअर समझते नहीं है आपको, और हर एक इंटरव्यूअर चाहता है कि आप सेलेक्ट हो जाओ, सेलेक्ट हो जाए सच में हर एक इंटरव्यूअर। आखिर आप भी तो पैनल में रहे हैं ना, तो आपको पता है कि चाहता है हर आदमी कि भाई इंटरव्यूअर सेलेक्ट हो जाए, है खत्म ना। हो हाँ, जल्दी, हमारा काम खत्म हो, हमको ऐसा लगता है। हमारा काम खत्म हो, वो भी अपनी जॉब कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे वो कोई चीज पूछता है, जैसे अगर आप पूछता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में ऐसा आपको नहीं करना है कि आप सिर्फ आप रट के गए हो कि सर माय नेम इज विकास श्रीवास्तव, आई एम फ्रॉम हाँ, डिस्ट्रिक्ट कहानी नहीं डिस्ट्रिक्ट पढ़ना आई एम है, डन। नेचुरल लगे। हाँ, नेचुरल लगे वो आपको, ऐसा लगना आपको जगह जगह पे रुक के पॉज लेना है आपको, थोड़ा उसको भी मतलब ऐसा है कि आई कांटेक्ट उसका अच्छा बना रहे। अगर आप मतलब ऐसे कर रहे हो, आप मीटिंग में कर रहे हो तो ऐसी कोई बात नहीं है, जो मीटिंग पे ऐसे तो अलग बात है। आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, बैठने का पैटर्न अच्छा होना चाहिए, वो सब नोटिस करते हैं सर, हमें लगता है कि करते हम हैं। नोटिस नहीं करते हैं, वो करते हैं नोटिस। वो जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो इंट्रोडक्शन का सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला यही होता है, लंबी ब्रीथ लो और चीजों को धीरे 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 करके आप एक्सप्लेन करो, और बेकार की चीजों को मत बताओ कि आई हैव, है ना, ये वो फलाना ढमाका, कुछ नहीं। हाँ प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, अगर आप फ्रेशर हो तो सबसे बेस्ट जो मैं जानता हूँ कंपनी के बारे में बताओ उनको कि बेस्ट, सर मैं जब आपकी ओपनिंग देखा तो मैं बहुत एक्साइटेड था, और मैंने आपके कंपनी के बारे में बहुत अच्छा खासा रिसर्च रिसर्च किया। भी कर रखा है, आज 3 महीने से मैं आपकी कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स में पढ़ रहा हूँ। भले आप ना पढ़ रहे हो लेकिन हाँ, आपने 4 दिन में पढ़ाई किया है उसके लिए, और ये आप बहुत इंटरव्यू लोग एक ही दिन में पूछते भी हैं, ऐसा। खुद भी हाँ पूछते हैं ये, टेल मी अबाउट तो माय कंपनी, सर अगर वो नहीं पूछते हैं ना और आप बताते हो तो बहुत बड़ा बहुत एडवांटेज बड़ी होता है, है। क्योंकि हाँ वो जानना चाहता है कि वाकई में इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। जैसे हाँ अभी मैंने रिसेंटली जो इंटरव्यू दिया है उसमें मैनेजर ने फोन किया मुझे और उन्होंने बोला कि विकास, आर यू रियली इंटरेस्टेड इन दिस जॉब और जस्ट यू आर ट्राइंग टू गिव दैट इंटरव्यू। हाँ तो मैं शॉक हो गया कि ये बंदा फोन क्यों किया मुझे। फिर उन्होंने बोला, लुक व्हाट हैपेंस दैट कैंडिडेट्स व्हाट वी गेट ओवर हियर, उनको बस इंटरव्यू देना होता है और वो पैकेज वैकेज ये सब डिस्कस करके फिर वो निकल जाते हैं, निकल है ना। जाते हैं। तो आप अगर सीरियस हो देन वी कैन कंटिन्यू, अदरवाइज मतलब अभी हम लोग छोड़ देते हैं। मैंने कहा सर मैं सीरियस हूँ क्योंकि मतलब मुझे इंटरव्यू देना है इसको। फिर हाँ बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर से उन्होंने फिर मेरा, हाँ ये सर इंटरव्यू के पहले की बात है, हाँ इंटरव्यू के डेटा नहीं पूछा, कॉल करके उन्होंने मुझसे पूछा इस चीज को। हाँ मैं शॉक हो गया पूरा कि नहीं, ये भाई तो ऐसा भी कोई जरूरी होता है ना। पूछता अब हमारा इतना है। एफर्ट लगे, इतना टाइम जाए, इतना हमारा सैलरी जाए उस एम्प्लॉय के लिए जिसने तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, बाद में वो टाइट ऑफिस, वो गंदा होता है ना हमारे तो लिए। बहुत बहुत बुरा होता है। और सर जो सबसे एक मेन चीज है कि जब आप इन सब सारे टूल्स को पढ़ लें और छोटी छोटी चीजों को पढ़ लें, उसके बाद आपको जैसे कि मतलब जो मैंने बताया कि सारे टैब्स को उठा के पढ़िए, और सबसे एक ज्यादा एक जो पे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, हाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पुटअप किए जाते हैं वो रैबिट पे किए जाते हैं, है ना, सबसे ज्यादा। और मैंने तो प्रेशर है सर ऑटो तो कैड पे, सबसे अच्छा वही हाँ पैनल ही बनता है। हाँ सबसे अच्छा होता है। और फ्रेशर अगर आप हो ना तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा एडवांटेज, अगर फ्रेशर्स को तो ऐसे भी अगर इंटरव्यू के चांस मिलते हैं तो उसको मिस नहीं करना चाहिए नहीं कि करना चाहिए। नहीं दे दूंगा इंटरव्यू पढ़ लूंगा। नहीं भाई, आपका इंटरव्यू आप सीरियसली लेके उसको पढ़ो और आप सोचो कि आपको कैसा कपड़ा पहनना है, आपको बातें कैसी करनी है ना, वो बहुत मैटर करता है सर। मैटर क्योंकि करता है। आप ऐसे किसी लेबर वाली जॉब में नहीं जा रहे हो कि नहीं आप ऐसे बैठ के आए, जी सर मेरा हो गया है ना। मैं आप एक अच्छे खासे रेपुटेटेड कंपनी में जा रहे हो जहाँ जा पे रहे आप हो, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अपनी और मतलब इंटरनेशनल का जो उस कम्युनिकेट ऑफिस करोगे, का हाँ एनवायरनमेंट बना रहे हो। उस ऑफिस का एनवायरमेंट बना रहे हो। एग्जैक्टली, अगर आपको इंटरनेशनल, अभी वो आपको क्यों रखेगा जब आपको कम्युनिकेशन नहीं आता है, तो उसको अपने अपने बंदे को भेजना है इंटरनेशनल क्लाइंट से कम्युनिकेट करने को, वो हाँ क्या करेगा आपका जब आप उस लायक ही नहीं रहोगे। तो अगर आप उसको एफर्ट दिखेगा कि हाँ भाई अभी नहीं है उतना सीखा लेकिन ये सीख करके आगे बढ़ जाएगा, तो आपको वो इन्वेस्ट करेगा मनी, वरना फिर आपको इन्वेस्ट नहीं करेगा। सर ऐसी ऐसी कंपनीज है बीम के अंदर कि अगर आप फॉरेन में जाकर के आप अगर आप एमएस करना चाहते हो ना, आपको वो पढ़ाएंगे एमएस कराएंगे, बस कुछ पढ़ाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं
जो वो कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं कि मतलब भाई मुझे इतने फुलफिल साल करना का पड़ता है। हाँ फुलफिल करना पड़ेगा, आपको ग्रोथ तो चांस तो दे रहे हैं ना कि आप फॉरन जाकर के आप एमएस करो, आपको इंडिया में एमएस करना है, पीएचडी करना है, कुछ भी करना है, वो आपको ग्रो करते हैं, आपको देते हैं करते चांस। हैं, लेकिन अब उसके लिए आपको भी तो देखना पड़ेगा ना कि मतलब प्रूफ करना पड़ेगा किस खुद लायक हो को आप। हाँ प्रूफ करना पड़ेगा, आप अगर भाई। इंटरव्यू में बैठे हो तो बोल नहीं पा रहे हो तो ये आपकी कमी है, इसको आपको दूर करना पड़ेगा, घर एक में दिन में नहीं आप, होगा। घर में जैसे होता है ना, किसी को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, उसका कारण होगा ना, हाँ हाँ उसके कारण पीछे होगा उसका ना। एफर्ट होगा ना, उस तो उसने हाँ ऐसा प्रूफ किया होगा अपनापन उसके अंदर। जैसे कभी हाँ कभी होता है ना कि आपके घर में कोई एक मसल है जिसे हर कोई राय लेता है, क्योंकि उसने वो सच एक में। छवि बनाई है, वो प्रूफ किया है खुद को कि मैं कभी गलत एडवाइस देने के लिए प्रीफरेंस नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं हूं तो हूं। वही कंपनी के लिए भी सेम सच है। में सर, मतलब अगर जैसे मेनली सर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब कंपनी की बात करेंगे तो मैं वही हाँ बात कर रहा हूँ कि अगर अगर हम बात ये करना चाहते हैं कि अगर हर कोई जॉब पाना चाहता है, जॉब तो बहुत सारी हैं, बस आपकी एलिजिबिलिटी आप डिपेंड करती है कि अगर आप पाना चाहते हो आपको अपना कम्युनिकेशन अच्छा करना पड़ेगा। उस कम्युनिकेशन के लिए आपको एक दिन में इंटरव्यू में हेल्प नहीं करेगा वो, आपको 1 2 महीना 3 महीना आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ड्यूरिंग कोर्स आप कर सकते हो, अगर आप आपने पहले काम नहीं किया कम्युनिकेशन पे तो आप भी तो बहुत बार इंटरव्यू लेते रहते हैं, मॉक इंटरव्यू लेते कलाम रहते हैं। कितना अरे अच्छा इंप्रूव कर गया, वो तुमको थैंक यू भी बोला है पॉडकास्ट में, सुना होगा तुम तो। सर इंट्रोडक्शन नहीं दे पाता था वो बंदा, इंग्लिश में बढ़िया से बोल रहा है। कलाम का तो लेवल ही अलग है, मतलब हाँ वो तो जब ही मैं उससे पहली बार जब बात करना शुरू किया तो हाँ मुझे मतलब मैं उसको देख के समझ गया कि मतलब बात करके ही समझ गया कि उसको इंग्लिश की इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है। लेकिन सर वो आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब जब वो बेरकेन में मैं उसके साथ में काम हाँ करता था, हाँ ठीक है, हाँ उससे पहले भी वो काम किया है, हाँ ठीक है, हाँ तो बेरकेन में मैंने उसका इम्प्रूवमेंट देखा। एक तो सबसे अंदर उसके अंदर एक्साइटमेंट है और क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा रहती है, तो कैसेटी। क्या है मैं देख लूँ जरा, वो हाँ पूछ लेता है मीटिंग में जैसे, और ऐसा नहीं है कि वो आपके पास आया तो आप उसको जाने, सर हाँ वो इंटरनेशनल क्लाइंट को डील करता है वो, मतलब वो वेरकेन में जो वो वहां के प्रोजेक्ट मैनेजर थे थॉमस वरोनिका और हाँ बाकी जो एमडी वगैरह थे, है ना, मुझे नाम भूल रहा है उसका, हाँ क्रिस ऐसे कुछ करके, क्रिस्टॉफ, है ना, उन सबसे वो बात करता था। और ऐसा नहीं है कि चलो महीने में एक बार बात कर रहे हैं, रोज ही 5 मीटिंग हो रही है उसकी, है ना। और उसका अभी फर्स्ट बताओ। सिचुएशन याद करो जब वो हाँ उसका बैच में फर्स्ट आया सिचुएशन था। ऐसा, वो ऐसे ऐसे इंटरव्यू दे रहा था, मतलब कि वो कैसा बोलता था, सर आई आई लाइक आई, ये बहुत बुरा था उसे अपने आप को रख नहीं कम्युनिकेशन। पा रहा था, लेकिन उसने तुमको स्पेशल थैंक यू बोला हुआ है। अगर तुमने वीडियो देखा हो, उसने बोला कि विकास भाई ने मेरे बहुत हेल्प किया, लेकिन और ये बहुत अच्छी बात है। विकास क्या होता है कि हमें एक दूसरे के टूवर्ड्स बहुत हेल्प, तुमने कई बार मेरे कुछ बच्चों को भी ना तुम्हारे नंबर शेयर किए, तुमने उनको हेल्प किया, तो मुझे ये भी ट्रस्ट होता है कि यार जो मेरे साथ जो पढ़े हुए हैं 4 महीने, इतना तो जरूर उनके अंदर सिंपैथी रहती होगी कि यार किसी की हेल्प हो सकती है तो कर ही देते हैं। ठीक है, और लगभग सर सभी करते बहुत हैं। कुछ सीखा है आपसे, बहुत कुछ सीखा है आपसे, और मुझे लगता है कि अगर मैं इतनी भी हेल्प नहीं कर पाया तो फिर बेकार है। अभी कुछ टाइम पहले आपका एक स्टूडेंट था, मुझे फोन किया, वो बोला कि मैं मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र में जॉब करता हूँ साइट हाँ इंजीनियर की, और मैं मुझे साउथ साउथ में मिला है बिम का जॉब करने का, तो बोला कि जाना चाहिए कि नहीं। मैंने उससे बात किया, फिर मुझे अपनी सिचुएशन याद आ गई, मैंने उसको बताया कि भाई करोगे तो धीरे टाइम धीरे होगा, एक बार लगेगा। में तो नहीं होगा, टाइम लगेगा। हाँ और अगर अभी तो मेरी उससे काफी बात नहीं हुई अभी इधर, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे मतलब स्टूडेंट हैं ना आपके जिनसे हाँ मैं बहुत पहले बात किया था, तो फिर मैंने उनको कुछ रेफरेंसेस भी दिए थे, या कि पता नहीं वर्क किया कि नहीं किया, है ना, या फिर उन्होंने कुछ ऐसे फोन किया। जैसे अभी ये शुभम जो हमारे साथ हाँ में है, शुभम हाँ वो पहले मुझे फोन करता था, बोलता था कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, ये नहीं लग रही है, वो नहीं लग रही है ना, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता, बहुत पहले। हाँ और मैं उसको बोलता था अरे परेशान मत हो, लग जाएगा, परेशान मत हो, हाँ लग जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसे करो वैसे कर लो, थोड़ा अपना डॉक्यूमेंट दिखाओ, ये कर लो वो कर लो, उसी में तो सर करेक्शन कर सकते हैं ना, हाँ बाकी आपका बिल होता है जो आपको और आगे बढ़ाता है। तो वो फिर मेरे साथ बेरकन में भी जॉब किया और अभी वो डब्ल्यूएससी में हो गया कुछ, हाँ
टाइम लगता है ना टाइम चीजें तो सही लगता करने है। में, अब उससे पूछो ये क्या है, और वो आप जो पुराने नौटंकी करते थे वो क्या है। अरे हंसने लगता है अभी हंसता है वो, कहता है मैं कैसे बात करता था यार। ये 1% का जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं होता था। और ये कलाम की बात करेंगे ना तो कलाम मुझे बेस्ट इसलिए लगता है क्योंकि वो चीजों को ना बहुत सीखता है, मतलब सीखता वो धीरे धीरे सीखता है। मैं भी ये भी बता रहा हूँ उसकी है, लर्निंग हाँ कैपेसिटी बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन लेकिन वो बहुत सीखता है, वो लगा रहता है, रेगुलर सीखता है, हाँ लगा रहता है। और मैंने उसके जितना तो दिखा ही नहीं सर किसी के अंदर, इतना कि बैक्टीरिया घूमता हो जो दिन के अंदर घूमता ही रहता है वो, है ना। वो जैसे अगर उसने देखा ना पाई रैबिट क्या है, तो बीच मीटिंग में इंटरप्ट करके पूछेगा सर ये पाई रैबिट क्या है ना, मुझे बताइए मुझे इसको इंस्टॉल करना है, वो फॉरेन क्लाइंट से पूछ रहा है वो। बहुत, ये बहुत अच्छी हैबिट है। लेकिन हाँ ये बहुत अच्छी हैबिट है। और वो ना इंग्लिश बोलने में बहुत वीक था वो, पता है हम सब हिंदी में बात करते थे लेकिन वो इंग्लिश में बात कर रहे, उसकी सबसे अच्छी बात यही थी। और वो धीरे 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 ऐसा सीख गया ना, लोग कई सारे लोगों ने तो मतलब वो भी किया, अभी तो साथ भी दिया, और कई सारे लोगों ने उसको डिमोरलाइज भी करते थे, क्या गंदा बोल रहा है ये बोल रहा है, लेकिन वो कुछ लगा नहीं रहा। बस लगा रहेगा। अभी मैं देख रहा था उसका पॉडकास्ट हाँ में आपके साथ भी अंग्रेजी में लगा हो हाँ मैं उसको हिंदी में रहा क्यों करने की कोशिश कर रहा था कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी तो क्लियर होना चाहिए, लेकिन मुझे अंदर से खुशी भी हो रही थी। ठीक है, ठीक है। वो अभी आपको याद है ना कि मतलब बैच में ना एक एक वो भी आता था, मतलब एक आपने क्लासिक कराया था जो मतलब इंग्लिश कम्युनिकेशन का था, हम लोग करते थे है ना। हाँ। हाँ तो हम लेट भी हो जाते थे लेकिन कलाम उसमें मैं देख रहा हूँ खुश पहले किया है, लौटा। कलाम उसमें बैठे कलाम एक अच्छी उसमें हैबिट रखे हुए। हाँ अच्छी है, अच्छी है बेटा, कंसिस्टेंसी है सर ये एक दिन में नहीं डेवलप होती है, टाइम लगता है धीरे धीरे करके। तो सर जो जो सर 0 पे हैं 1% पे हैं, अगर वो ग्रो करके ना आगे बढ़ सकते हैं तो मेरे ख्याल से कोई भी बढ़ सकता है। कोई बढ़ सकता है, मतलब कलाम भाई की इंसल्ट नहीं नहीं इंसल्ट नहीं, इसमें इंसल्ट कर नहीं होता। रहे कैसे, अभी देखो मैं लेकिन बताता हूँ ना कि मैं उस हाँ स्कूल से पढ़ा हूँ जो स्कूल आम के पेड़ के नीचे होता था, महुए के पेड़ के नीचे होता था। बारिश हो गई, छुट्टी है आज, क्योंकि बैठोगे कहाँ। ठीक है, इसमें इंसल्ट तो नहीं हुई ना, इसमें तो और प्राउड होना चाहिए कि आई कम फ्रॉम देयर एंड राइट नाउ आई एम हियर, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर मैं उस बच्चे बताओ मैं बताओ। उसको देखता, मैं उसमें देखता था कि वो मतलब झूठ मूठ के भी इंटरव्यूज देता था कलाम, ठीक है ऐसे भी हाँ देगा इंटरव्यूज, लेकिन जो भी क्वेश्चंस होंगे ना उसको राइट डाउन करेगा, अभी भी करता है, अभी तो कितना एक्सपर्ट हो प्रिपरेशन। गया है ना, अभी तो दुनिया भर का एक्सपर्ट है वो। मतलब उससे पूछ लीजिए उठा करके, जो भी चीजें पूछना है उसको पूछिए वो बताएगा, है ना, आप पूछेंगे आपको बताएगा नहीं वो मुझे समझ में आ गया, वो। उससे मैंने बात किया ना, मुझे क्लियर लेकिन हो गया कि ये लगा हुआ है उसके अंदर, वो जो कंसिस्टेंसी वाली हैबिट है काफी अच्छी है। हाँ और वो सर अभी मैं बता रहा हूँ कि वो इतना अप टू डेट रहता है ना कि जैसे किसी भी कंपनी में अगर एक छोटा सा फंक्शन भी हो रहा है ना, जैसे अभी मुझे उस दिन क्या बता रहा है, कह रहा है फोन मतलब अभी कुछ दिन पहले फोन किया, पता नहीं कोई कंपनी थी बड़ी कंपनी, उसमें WSP का ही बता रहा था, कह रहा है यार WSP में कितना बड़ा फंक्शन है, देख रहे हो कितना कितना भयंकर मना रहे हैं ये कर। मैं कह यार तू काम करता है पिनेकल में और तुझे WSP की खबरें पढ़ता है। कह रहा वो लिंक्डइन पे देते हैं ना तो मैं देखता रहता हूँ वो खुश हो जाएगा ये पॉडकास्ट देख के। चलो पॉडकास्ट को समाप्त कर लेते हैं, नहीं तो हम लोग की कन्वर्सेशन लंबी चली जाएगी। और थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने यहाँ तक तो बहुत एंजॉय किया होगा, मैं तो भाई बहुत एंजॉय किया, क्या क्योंकि इसी बहाने विकास से काफी दिन बाद बात भी हो रही थी। और लेकिन थैंक यू अगर सर, आप लोग थैंक यू। चाहिए कि कुछ और भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, आप चाहते हो कि विकास के साथ और भी क्वेश्चंस पूछना है, या फिर आप चाहो तो सर क्या बोलते हैं विकास के साथ हम लोग लाइव आ सकते हैं, तो भी आप कन्वर्सेशन कर सकते हो। जैसी भी आपकी इच्छाएं हैं नीचे प्रकट करोगे, पूरी बात ही यही चीज की हुई है, प्रकट करो। ठीक है, जब तक प्रकट नहीं करोगे भाई कुछ नहीं होगा। ठीक है, प्रकट करना है कंपनी में, प्रकट करो यहाँ कमेंट बॉक्स में, जैसा आप प्रकट करोगे हम लोग का माइंडसेट वैसा बनेगा और फ्यूचर में उस तरीके के प्लान्स करेंगे। एंड आप लोगों ने इतना ध्यान से सुना, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विकास को पहले धन्यवाद किया जाए। बहुत एक्चुअली विकास अरे सर बहुत अच्छा पॉडकास्ट है तुम्हारा पॉडकास्ट, जी और सर मुझे एक लड़का है शुभम तिवारी, ठीक है, आज का जो पॉडकास्ट है ना उस लेवल का पॉडकास्ट बहुत बेहतरीन है। ठीक है, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि थैंक लोग किस तरीके से जज करेंगे, कि वो तो मुझे यू सर कभी जी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मैं सर जानता हूँ मेरे लिए बहुत अच्छा था। और जी सर मुझे शुभम के साथ बात करके बहुत मजा आया था, तुम्हारे साथ भी डेफिनेटली बात करके मजा आया। कलाम की तुमने हैबिट बताई, और देखो कहता किसी की तारीफ करना भी ना सब एक बहुत बड़ी बड़प्पन होती है, लोग कर नहीं जी पाते। सर
ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने उसकी तारीफ की, और एक्चुअली वो तारीफ के काबिल है, उसको मिल जी सर, सकती है। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, सर जैसे आपने आपने बताया ना कि वो हम पोस्ट कार्ड मतलब ये अपना पॉडकास्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं आगे की चीजों में भी, तो करेक्ट, अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे जो आपके हाँ स्टूडेंट होंगे, अगर इंटरेस्टेड होंगे जो अभी, हम एक काम कर सकते हैं कि हम दो तीन लोग मिल करके करेक्ट, जैसे मतलब जो अभी हम लोग जॉब कर रहे हैं ठीक है, दो तीन लोग मिल करके आपके साथ में आ जाएंगे, हाँ और अगर किसी को ना किसी जैसे रिलेटेड अगर इंटरव्यू के रिलेटेड या ऐसे कुछ रिलेटेड में अगर उन्हें कुछ जानकारी चाहिए होगी तो हम उस पॉडकास्ट में उनकी हेल्प करेंगे और उनको कितना अच्छा, बताएंगे जैसे क्वेश्चंस वगैरह की, अगर जैसे आप अगर कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो और किसी भी चीज को जैसे कोई भी डोमेन हो, जैसे सर आपको पता है हमने आर्किटेक्चर भी किया है स्ट्रक्चर में भी किया है दोनों हाँ डोमेन में ठीक है, आपने हमें दोनों सिखाया भी है कि आप हम किसी भी मतलब फ्री टू गो हैं डिसिप्लिन में जिधर काम भी हम कर चाहें। सकते हैं। हाँ जी, तो अगर उन्हें किसी भी चीज में ऐसा डाउट है ना तो पॉडकास्ट में पूछ सकते हैं हाँ, और पूछ अपने सकते हैं, क्वेश्चन को खुद ही नोट डाउन कर लें, और जैसे कि किस तरह का मतलब एटीट्यूड होना चाहिए, इंटरव्यूअर क्या चाहता है, और क्वेश्चंस क्या क्या पुटअप कर सकते हैं, क्या क्या हमें और बाकी चीजें हैं जो हमें इसके अलावा करना चाहिए, ग्रुप मतलब हम कोर्स कर रहे हैं तो कोर्स के अलावा भी बहुत आवा सारी क्या करना चीजें हैं चाहिए, जो हाँ जो क्या कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से उस पर भी बात किया जा सकता है अब अगर वो लोग डिपेंड करेगा, चाहेंगे वो तो कर लें प्रकट सर। करेंगे तब हाँ अगर वो चाहेंगे और तो यहाँ तो प्रकट करने वाले दो चार ही लोग होंगे, क्योंकि यहाँ तक कन्वर्सेशन वही मतलब बताया ना कि डेप्थ कन्वर्सेशन हाँ सबके बस का नहीं है। मुझे नहीं लगता है जितने जी लोग हो, अगर मैं अगर 100 कमेंट आ जाए तो मैं मान जाऊँ, लेकिन 100 कमेंट नहीं आएंगे यहाँ तक के लिए, बहुत जी मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि वो इतने सक्सेस रेशियो नहीं मिलता ना कभी भी, किसी भी चीज का नहीं सक्सेस नहीं रेशियो सर, नहीं होता है। बट थैंक यू, अभी इतना हाँ मतलब अभी ये ग्रोइंग फील्ड है ठीक है, हाँ अभी बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है, और बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देखेंगे उनको पता भी नहीं चल रहा होगा क्या चल रहा है ये बात किस चीज के बारे में ठीक कर रहे हैं है, तो अब ऐसे होता है सर। उनको उनको चाहिए कि वो रिसर्च करें इस पे, इन हाँ टर्म्स उस पे पर जो चाहिए हम लोगों ने रिसर्च बात करें। किया उन पे जाके, और वीडियोस देखें लोगों के, हाँ हमारे देखें और लोगों को देखें। तो गाइस हाँ क्या बोलते हैं, मुझे बहुत प्राउडली मैं कह पा रहा हूँ कि विकास हमारी फर्स्ट BIM के जो गुरुकुल बैच थी उसमें से ये क्या बताया, थिंक विकास फर्स्ट बैच थी ना हमारी, जी, क्योंकि क्योंकि कलाम ने सबसे मुझे फोन किया था तो मैं सिलेबस बना रहा था, ठीक है, और तुमने जब फोन किया था मैं तुमको बता रहा था, ठीक है। तो उस तरीके से हमें बहुत प्राउडली मैं कह पाता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने अच्छे अच्छे पोजिशंस को गेन किया, होप्स तो आगे और बड़ा पोजिशन दिया, तो एक स्टेप है, अभी तो बहुत छोटी सफलता है, अभी तो अभी सर बहुत स्टार्टिंग है सर। बहुत बड़ा सफलता गेन करना है। और जी आप लोग भी सर, अगर आना चाहते हो गुरुकुल में, तो भाई क्या बोलते हैं, हमारे टीम से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लो, या मुझसे कॉन्टेक्ट करना हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर लोगे तो ईजी हो जाएगा। और थैंक यू विकास, और क्या बोलते हैं, थैंक आपको यू हमारी सर, तरफ थैंक से यू एक छोटा सा सो गिफ्ट रहेगा, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने गिफ्ट मच भेजा था, वो मिला था कि नहीं सर। मिला था, आपने मुझे एक ही गाय गिफ्ट दिया था मुझे, और ठीक मैंने है। किताब को 5 बार पढ़ी है। अरे वाह, नेक्स्ट जो बुक भेजने हाँ वाला हो वो भी बुक ही है, हाँ फिर मैं बुक ही गिफ्ट करता हूँ, और वो बहुत जी सर, वंडरफुल है, ठीक है। अभी उसके बारे में मैं व्हाट्सएप पर डिटेल भेजूंगा, तो वो क्या बोलते हैं, मैं मिल ठीक जाएगा, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है मतलब सर, मजा आ जाएगा। चलो, आई थैंक यू विल सो वेट फॉर मच, दिस सर। थैंक ओके यू सर, थैंक यू सो मच, ओके थैंक यू जी, सर। ओके।